हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी। चलो सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। आज मैं फिर आप सभी के सामने एक बार सेकंड चैप्टर की रिवीजन यहां पर लेकर आ रहा हूं। बट सेकंड चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हम यहां पर डिस्कस करेंगे। मैंने आपकी फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन क्लास ऑलरेडी 3-4 दिन पहले मैंने अपलोड कर दी थी। तो सेकंड चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करने से पहले ना, सबसे पहले आपको बात यहां पर ये डिस्कस करनी है कि आप सबसे पहले जो आपका फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन होगी ना, सबसे पहले आप वो चेक करोगे। इट मीन्स अगर आपकी चैप्टर 1 की रिवीजन आपने पहले पूरी कंप्लीट कर ली है, देन सेकंड चैप्टर की रिवीजन देखना, अदरवाइज आपको सेकंड चैप्टर समझने में दिक्कत आएगी। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर की जिन बच्चों ने नहीं देखी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सर अभी रिवीजन क्लास मेरी चैप्टर 1 की नहीं देखी है, क्योंकि सिर्फ अभी उसके 3000 व्यूज हैं और 10000 हमारे फैमिली मेंबर हैं, 3000 व्यूज है, इट मीन्स अभी 7000 तो हमारे फैमिली मेंबर ही बचे हैं, इट मीन्स आपने शेयर भी नहीं की। चलो, अगर आप, मैंने आपको पहले भी कहा था सर, मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि वीडियो क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल हैं, सर प्लीज मैक्सिमम शेयर किया करो हर बच्चे के साथ। देखो, व्हाट्सएप में नॉर्मली हम बहुत सारे मैसेज कई बार शेयर करते हैं, बट हमारे स्टडीज से रिलेटेड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो शेयर हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आपका सिर्फ यहाँ पर 1 सेकंड लगेगा शेयर करने में, बट बहुत सारे बच्चों की उससे हेल्प होगी, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे सर कई बार कोचिंग नहीं ले पाते, कोचिंग कहीं और से ही ले रहे हैं, उनको रिवीजन की बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो उन सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं दे सकूँ। और दूसरी बात, मैंने कहा था कि थर्सडे को मैं रात को लाइव आऊंगा, उसके अंदर मैंने कहा था कि दो सेलिब्रेशन हम एक साथ करेंगे, एक तो हमारी फैमिली के 10000 मेंबर पूरे हो जाएंगे और सेकंड मेरे यहाँ पर बर्थडे भी उस दिन है। बट 10000 फैमिली के मेंबर अभी पूरे होने में आई थिंक 200 मेंबर अभी और बैलेंस है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि पता नहीं 200 मेंबर 3-4 दिन में होंगे या नहीं होंगे, वो आपके ऊपर है। देखो, आपको मैंने पहले भी कहा था सर, सिर्फ मैं अपना हार्ड वर्क कर सकता हूँ, मैं आपके लिए अपना बेस्ट दे सकता हूँ, बाकी आपके ऊपर है उस वीडियो को शेयर करना, चैनल के बारे में बाकी दोस्तों को बताना, क्योंकि देखो जितनी भी हमारी बड़ी सीएस की फैमिली होगी ना सर, एक साथ पढ़ने के अंदर बहुत ही अलग मजा आएगा। और मेरा ड्रीम तो यह है कि आने वाले टाइम में सबसे बड़ी सीएस की फैमिली हमारी इस चैनल पर हो। अब आपका ड्रीम अगर मेरी ड्रीम के बराबर है, फिर आप सपोर्ट करोगे, और मैं ये चाहता हूं कि आप भी सपोर्ट करो, दोनों मिलकर काम करेंगे, बिलीव मी हमारा रिजल्ट किसी अलग ही लेवल पर आएगा। और इतनी मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग से मैं अपनी तरफ से कोई कमी आपके लिए नहीं छोड़ूंगा, हर जगह अपना बेस्ट दूंगा, ठीक है। आपकी रिविजन क्लासेस होंगी, वो सारी के सारे हम कंप्लीट करेंगे, यहीं पर हम कंप्लीट करेंगे, इतनी मेरी आपके लिए श्योरिटी है। अब वो उसको शेयर करना दूसरों के साथ, उसको मतलब शेयर करना, वो सारा कुछ आपके ऊपर है, ये सारा काम आपके ऊपर है। मेरा काम सिर्फ क्या कि मुझे अपना बेस्ट देना है, ठीक है। तो फिर भी मैं थर्सडे को लाइव आपके लिए जरूर आऊंगा, होप सो, भगवान से मैं मतलब प्रे करता हूँ कि हमारे 10000 फैमिली मेंबर फटाफट से हमारे हो जाए, अभी 2-3 दिन हमारे बचे हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि उसमें आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि 10000 फैमिली मेंबर होंगे, उसका सेलिब्रेशन भी करेंगे, और मैं आपसे अपने बर्थडे पर अपनी आपके पेरेंट्स की आपकी ब्लेसिंग लेने और विशेष लेने भी जरूर आऊंगा मैं। चलो, इधर सुना ध्यान से, अब सेकेंड चैप्टर की रिविजन मैं यहाँ पर स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। अगर मैं अब सर यहाँ पर रिवीजन की बात करता हूँ, सबसे पहली बात मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि एक बार चैप्टर 1 की आप रिवीजन कर लेना, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा कि वहां उस लिंक से आप चैप्टर 1 की पहले रिवीजन करोगे, देन आप चैप्टर 2 पर आओगे। दूसरा यहाँ पर कहना कि चैप्टर 2 की रिवीजन से पहले ना, सबसे पहले यहाँ पर आप ये चेक कर लेना कि आपके रेगुलर क्लासेस में आपका चैप्टर नंबर 2 पूरा हो चुका हो। अच्छा, आज हम चैप्टर नंबर 2 कौन सा स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स, इसमें टैक्स की लाइबिलिटी की कैलकुलेशन है, सरचार्ज के रेट जो चेंज हुए हैं, सरचार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे, एमआर कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिबेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंपनी के टैक्सेशन क्या होंगे, पार्टनरशिप फर्म के टैक्सेशन क्या होंगे, वो सारी की सारी बातें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आपको बताओ, कुछ केस में ना आपके स्पेशल इनकम टैक्स के रेट भी होते हैं, तो स्पेशल इनकम टैक्स के रेट किस केस में लगेंगे, स्पेशल इनकम कौन सी होगी, वो सारी बातें हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, आप ये श्योर करोगे चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन आप पूरी देख चुके हो, सेकंड आप ये श्योर करोगे कि आपका चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट का रेगुलर बैच में कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने बैचेस में तो कंप्लीट करा चुका हूं, बट जो बच्चा यहां पर दिल्ली में नहीं आकर कोचिंग ले पाता, तो जहां पर भी वो कोचिंग बाहर बैठ कर रहे, तो आपका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, देन आप चैप्टर 2 की रिवीजन आप कर सकते हो। उसके बाद देखो मैंने क्या लिखा कि आफ्टर रिवीजन क्लास प्रैक्टिस एमसीक्यू, मतलब जो भी ओल्ड सिलेबस के बच्चे हैं वो कोशिश करें कि रिवीजन के साथ साथ जितने भी आपके एमसीक्यू इस चैप्टर के हैं ना, साइड बाय साइड कंप्लीट करते जाएं, क्योंकि सर देखो अगर आप अभी से कंप्लीट करोगे ना, बिलीव मी आपका रिजल्ट एक अलग लेवल पर जाएगा। प्रॉब्लम क्या होती है सर, देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम लास्ट टाइम के अंदर पढ़ते हैं और वहां पर टाइम कम होता है, फिर हमारा रिजल्ट नेगेटिव आता है, फिर हम सोचते हैं हम फेल क्यों गए। तो सबसे पहली बात, चैप्टर नंबर 2 आपने क्लासेस में मैंने कंप्लीट करवा दिया डिटेल के अंदर, उसके बाद रिवीजन आपके यहां पर हो चुके हैं, उसके बाद ही क्या करो कि अगर ओल्ड सिलेबस वाले होना तो एमसीक्यू सारे के साथ कंप्लीट कर लो, और जिनके एग्जाम न्यू सिलेबस में है, इमीडिएटली चैप्टर के रिवीजन कंप्लीट करने के बाद आपके जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप इस चैप्टर के सारे कंप्लीट कर लो,
ठीक है, तो प्लीज आप मुझसे कमिटमेंट करो कि चैप्टर की रिवीजन के बाद जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे साइड बाय साइड कंप्लीट करोगे, ताकि सर एग्जाम से पहले हमें टैक्स उठाने की दोबारा जरूरत ना पड़े। ये बात क्लियर है? चलो इन्हीं बातों के साथ अब मैं अपने चैप्टर नंबर 2 पर आता हूँ, और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। जो हमारा चैप्टर है उसकी रिविजन में यहाँ पर स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। इधर सुना ध्यान से सर, अगर मैं चैप्टर नंबर 2 की बात करता हूँ ना, तो चैप्टर नंबर 2 हमारा इनकम टैक्स में है, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। अच्छा, अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करता हूँ, आपको मैंने पहले भी कहा इस चैप्टर में हमें बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है, तो इस चैप्टर में हमें कौन कौन से पॉइंट्स की रिविजन करनी है ना, एक बार मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड काइंड्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। पहले हमें वो डिस्कस करना है कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स के टाइप्स क्या क्या होंगे, वो बातें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। सेकंड यहाँ पर आ रहा है कि इनकम टैक्स का एंट्री नंबर क्या है, इनकम टैक्स आपका किस लिस्ट से आया है, वो भी हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। एंड थर्ड पॉइंट आएगा कि इनकम टैक्स लॉ के सोर्स कौन कौन से, इट मीन्स अगर आपको इनकम टैक्स लॉ की नॉलेज चाहिए तो सोर्स कौन कौन से होंगे, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन चैप्टर नंबर 4 आएगा हाउ टू बिकम एक्ट, इट मीन्स एक बात मैंने बताना सर, आपके इनकम टैक्स में इनकम टैक्स एक्ट फॉलो होता है, जीएसटी में जीएसटी एक्ट फॉलो होगा, कंपनी लॉ के अंदर कंपनी एक्ट फॉलो होगा, तो आपके जितने भी एक्ट हैं वो सारे एक्ट कैसे बनते हैं, एक्ट को बनने का प्रोसेस क्या होगा, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आपका आएगा चार्जिंग सेक्शन, दैट इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट। चार्जिंग सेक्शन का मतलब क्या कि पूरे इनकम टैक्स एक्ट में जितने प्रोविजंस हैं वो एक पर्सन पर कब एप्लीकेबल होंगे, वो सारी बातें आपकी यहाँ पर निकल कर आएंगी। इट मीन सर मैं किसी चैप्टर का नहीं कह रहा, चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, बट चैप्टर का नहीं है, पूरे इनकम टैक्स में जितने भी चैप्टर हैं वो चैप्टर ही कब लगेंगे अगर ये सेक्शन सेटिस्फाइड होगा। उसके बाद फिर हम कॉन्सेप्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं, पर्सन के डेफिनेशन में कौन आएगा, असेसी में कौन कवर होगा। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट, उस कॉन्सेप्ट के अंदर कौन कौन से हमारे रेट आएंगे, वो सारी की सारी बातें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है। उसके बाद फिर हमारा अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा कंप्यूटेशन ऑफ ग्रोस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम, कि हमें ग्रोस टोटल इनकम कैसे निकालनी है, टोटल इनकम कैसे निकालनी है, वो भी हम रिवाइज कर लेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल टैक्स निकालना है तो कैसे निकलेगा, HUF, AOP, BY, उसका कैसे निकलेगा, कंपनी का कैसे निकलेगा, पार्टनरशिप फर्म का कैसे निकलेगा, लोकल अथॉरिटी को, इट मीन्स जितने भी आपके इंडिया में लोग होंगे सबकी टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, वो भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। उसके बाद जो भी आपने शायद पढ़ा होगा क्लासेस के अंदर कि जो भी आपकी इनकम निकल कर आएगी ना, या जो भी आपका टैक्स निकल कर आएगा उसको हम राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी इनकम फ्रैक्शन में है या मेरा टैक्स फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन से क्या करोगे, राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ कैसे करना है वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपकी कुछ स्पेशल इनकम होंगी, जिस स्पेशल इनकम पर आपके नॉर्मल रेट एप्लीकेबल नहीं होंगे, स्पेशल रेट लगेंगे। अब तो स्पेशल इनकम पर आपके कौन से स्पेशल रेट लगेंगे, वो सारी बातें जो होंगी ना, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये बात क्लियर है? तो इस चैप्टर में हमें सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं इस चैप्टर के, तो वन बाय वन मैं यहाँ पर उठा रहा हूँ और फटाफट से इसके रिविजन करते हैं, ताकि आपका चैप्टर नंबर 2 जो है आज हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। इधर देखो ध्यान से सर, अगर मैं आप कॉन्सेप्ट नंबर 1 की बात करता हूँ ना, सबसे पहला मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 1 आ रहा है, दैट इज मीनिंग ऑफ टैक्स। देखो अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, सबसे पहले मैंने कहा था हम इनकम टैक्स की रिविजन करेंगे, देन उसके बाद जो होगा ना फिर हम यहाँ पर जीएसटी की रिविजन करेंगे। अच्छा, इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है, आप सब जानते हो, और अगर मैं जीएसटी की बात करूंगा वो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। बट अगर मैं आपसे पूछूंगा ना इनकम टैक्स का मतलब क्या है, आप क्या बोलोगे, जो इनकम पर लगेगा वही इनकम टैक्स है। और अगर मैं जीएसटी की बात करूंगा तो आप क्या बोलोगे, सर जो गुड्स और सर्विसेज पर लगेगा वो क्या बन जाएगा, जीएसटी बन जाएगा। बट सर मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो है टैक्स है उस टैक्स का मतलब क्या है। अब सोच के देना सर, 90% बच्चा जब मेरी क्लास में आता है ना, वो ये बात कहता है सर टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है। नो डाउट एक टैक्स कंपलसरी पेमेंट है, बट क्या आप जो भी कंपलसरी पे करोगे क्या वो एक टैक्स बन जाएगी, गवर्नमेंट कहती है नहीं। गवर्नमेंट ये बात कहती है कि टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट तो है, बट हर कंपलसरी पेमेंट एक टैक्स है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट मीन्स कंपलसरी पेमेंट तभी टैक्स बनेगी अगर वो आपने पे की है किसी एक्ट के बेस पर या किसी लॉ के बेस पर। तो चक्कर देखो मैंने क्या लिखा है, टैक्स इज ए कंपलसरी एक्सट्रोशन ऑफ मनी अंडर एन एक्ट। अंडर एन एक्ट का मतलब क्या है कि अगर किसी लॉ के बेस पर पे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूंगा तो इनकम टैक्स एक्ट आपका बना हुआ है, अगर मैं जीएसटी की बात करूंगा जीएसटी एक्ट आपका बना हुआ है, तो इट मीन सिंपल सी बात निकल कर आ रही है कि जो भी आप टैक्स पे करोगे किसी लॉ के बेस पर वही टैक्स में कवर होगा, आप ये बात ध्यान रखना। उसके बाद काइंड्स ऑफ टैक्स आप सब जानते हो सर, टैक्स दो तरह का होता है, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अच्छा अगर मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करूंगा तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब मैंने आपको रिविजन क्लास 1 के अंदर भी बताया था कि ऐसा कोई टैक्स जिस पर्सन पर लेवी होगा, अगर बर्डन भी सेम पर्सन पर आएगा फिर वो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होगा, अगर लेवी और बर्डन अगर डिफरेंट पर्सन पर आएगा तो क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट बन जाएगा।
अच्छा डायरेक्ट टैक्स में हमें कौन कौन से टैक्स पढ़ने हैं? एक तो हमें इनकम टैक्स पढ़ना है, देन सेकंड पढ़ना है इंटरनेशनल टैक्सेशन। और अगर मैं आईडीटी की बात करूंगा तो वहां हमें क्या पढ़ना है, एक तो हमें जीएसटी पढ़ना है, और जिनके एग्जाम न्यू सिलेबस में है उनके एग्जाम में हम क्या रिवाइज करेंगे, कस्टम भी यहां पर हम रिवाइज करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो उसके बाद फिर हमारा कॉन्सेप्ट नंबर टू आता है कि जो आपका इनकम टैक्स है वो इनकम टैक्स आपका लिस्ट वन ऑफ सेवन शेड्यूल। याद करो जो हमारी रिवीजन क्लास नंबर वन थी ना, वहां पर मैंने कहा था सेवन शेड्यूल में आपकी तीन लिस्ट होती हैं, एक तो यूनियन, एक स्टेट और कॉन्करेंट। जो आपका यूनियन लिस्ट होगी ना, उस यूनियन लिस्ट के अंदर इनकम टैक्स लिखा हुआ है। अब बच्चा ये बात कह रहा है, सर अगर यूनियन लिस्ट के अंदर इनकम टैक्स है तो यूनियन लिस्ट की कौन सी एंट्री है? तो गवर्नमेंट कहती है एंट्री नंबर 82। इट मीन जिनके एग्जाम ओल्ड सिलेबस में है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, न्यू सिलेबस वालों का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि लिस्ट वन की एंट्री नंबर 82 जो है ना वो आपकी इनकम टैक्स की है। अच्छा एंट्री नंबर 82 की लैंग्वेज क्या लिखी हुई है? अगर आप लो में चेक करोगे तो लैंग्वेज लिखी है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। अच्छा अगर मैं ये बात कह रहा हूं अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स ही नहीं लगेगा या वो लिस्ट वन में कवर नहीं होगा? वो लिस्ट वन में कवर नहीं होगा। अगर लिस्ट वन में कवर नहीं होगा तो कहां कवर होगा? या तो लिस्ट टू में या लिस्ट थ्री। याद करो रिविजन क्लास नंबर वन, वहां मैंने कहा था लिस्ट थ्री में कोई भी टैक्स नहीं है। अगर लिस्ट थ्री में कोई भी टैक्स नहीं है, इट मीन सिंपल सी बात क्या निकल कर आ रही है कि एग्रीकल्चर इनकम वाला जो है ना फिर वो लिस्ट वन में कवर होगा, सॉरी लिस्ट टू में कवर होगा। अच्छा लिस्ट टू में कवर होगा फिर लो कौन बनाएगा? स्टेट असेंबली। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, मेरी पूरी फैमिली मुझे आंसर देगी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया इनकम टैक्स तो आंसर क्या दोगे? एंट्री नंबर 82। बट अगर वही क्वेश्चन बनेगा कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स कैसे लगेगा तो फिर क्या बनेगा? एंट्री नंबर 46 ऑफ स्टेट लिस्ट। ये बात ध्यान रखना। तो बात समझ में आ रही है, एंट्री नंबर 82 हमारी किसकी है? इनकम टैक्स की है। 46 हमारी स्टेट लिस्ट की कौन सी है? एग्रीकल्चर इनकम की। आप ये बात ध्यान देना, ठीक है नी? चलो उसके बाद फिर हमारा यहां पर निकल कर आ रहा है कॉन्सेप्ट नंबर थ्री की सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लो कौन कौन से, इट मीन इनकम टैक्स के सोर्स कौन कौन से हैं। इट मीन अगर आपको इनकम टैक्स की नॉलेज चाहिए तो कहां कहां से आप पढ़ सकते हो। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है इनकम टैक्स एक्ट। अच्छा इनकम टैक्स एक्ट की बात करूंगा ना तो इनकम टैक्स एक्ट आपका पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होगा इंक्लूडिंग जेएनके। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपने शायद सुना हो आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर जो जेएनके पर ना एप्लीकेबल नहीं है। अब बहुत सारे लोग अगर जेएनके पर एप्लीकेबल नहीं है ना, बट ध्यान रखना इनकम टैक्स की अगर बात करूंगा या जीएसटी की बात करूंगा, जीएसटी भी जेएनके पर है और इनकम टैक्स भी जेएनके पर है। इट मीन्स पहले जब आपका सर्विस टैक्स था ना तो सर्विस टैक्स जेएनके पर नहीं था, बट अगर मैं जीएसटी की बात करूं चाहे मैं इनकम टैक्स की बात करूं, दोनों के दोनों जेएनके पर एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट आपका फोर्स में कब आया? 1 अप्रैल 1962 को आया। टोटल कितने सेक्शन है? 298 है। टोटल शेड्यूल कितने हैं? 14 शेड्यूल हैं। अच्छा अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेटेड बाय फाइनेंस एक्ट, मतलब इनकम टैक्स एक्ट में जो भी आपके अमेंडमेंट्स आती हैं ना वो इनकम टैक्स एक्ट खुद अमेंड नहीं होता, फाइनेंस एक्ट के थ्रू यहां पर अमेंडमेंट आती है। आपने शायद सुना होगा हर साल आपका ना बिल आता है फिर एक्ट आएगा, तो उस बिल के थ्रू उस एक्ट के थ्रू जितनी अमेंडमेंट्स होंगी ना वो सारी के सारी आपकी इनकम टैक्स एक्ट में आएंगे। ये बात क्लियर है? यस सर। उसके बाद चेक करो फिर इनकम टैक्स रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स यहां पर आते हैं। अच्छा इनकम टैक्स रूल्स को बनाने वाली कौन होती है? सीबीडीटी। एक बात और ध्यान रखना कि इनकम टैक्स रूल्स जो है ना उसको ध्यान रखना, वो जो है वो एक्ट को ओवररूल नहीं कर सकते। इट मींस अगर एक्ट में कोई बात लिखी है और रूल्स उसके अगेंस्ट है तो रूल्स बेकार है, एक्ट सही है। इट मींस कहना क्या चाह रहा हूं कि रूल्स कभी भी एक्ट को ओवररूल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रूल्स का मतलब क्या होता है सर? जो बात एक्ट में लिखी उसको फॉलो करना। इट मींस एक्ट का मतलब क्या है? व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। इट मींस एक्ट क्या बता रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। रूल्स क्या बोल रहे हैं कि भैया जो भी काम करना है ना वो करना कैसे है, वो सारी बातें कहां लिखी होंगी? आपके रूल्स में लिखी होंगी। ये बात हमने डिटेल में क्लासेस के अंदर पढ़ी है, बट एक बार रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूं कि अगर मैं एक्ट की बात करूंगा, एक्ट का मतलब क्या होता है कि व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। रूल्स का मतलब है कि जो भी आपने बोला कि हमें ये काम करना है उसको करने का प्रोसेस क्या होगा, वो सारी बातें कहां लिखी होंगी? आपकी रूल्स के अंदर लिखी होंगी। ये बात क्लियर है? यस सर। उसके बाद फाइनेंस एक्ट में आपको बता दिया, फाइनेंस बिल होगा, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में जाएगा, प्रेसिडेंट के साइन होंगे, फिर वो क्या बनेगा? फाइनेंस एक्ट बनेगा। तो एक्ट बनने का प्रोसेस क्या है वो सारी की सारी बातें आपकी यहां पर ये निकल कर आती है, ठीक है जी? यस सर। उसके बाद फिर आपका आएगा नोटिफिकेशन। अच्छा नोटिफिकेशन आपने ना पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करता हूं तो नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट को कोई चेंज लेकर आना है। आपको मैंने क्लास के अंदर बताया था, याद करो मैंने फॉर एग्जांपल ये कहा था कि अगर मान लो सर हर साल बजट आएगा और अगर मान लो बजट आ गया उस बजट में ना कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मैं दूर करना है, अब अगर मैं एक साल का वेट करूंगा तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं इन द मिडल ऑफ ईयर अगर गवर्नमेंट को चेंज करना है ना, एक तरीका है नोटिफिकेशन। इट मींस गवर्नमेंट क्या करेगी, बीच में नोटिफिकेशन इशू करके अपने एक्ट को थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकती है।
तो सिंपल सी बात क्या निकल कर रहा है कि वैसे हर साल अमेंडमेंट कौन लेकर आएगा, आपका एक्ट लेकर आएगा, बट उसके बीच में कोई चेंज लेकर आना है तो फिर वो सारी बातें कहाँ आएंगी, नोटिफिकेशन के थ्रू आएंगी। देखो मैंने क्या लिखा है, नोटिफिकेशन इशू करने वाली कौन होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करेगी या सीबीडीटी इशू करेगी, इशू करती कहाँ है आप सब जानते हो, ऑफिशियल गैजेट के अंदर। उसके बाद नोटिफिकेशन कैन, नोटिफिकेशन क्या क्या कर सकती है, एड रिमूव ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट, इट मीन्स उसमें कुछ ऐड करने हैं वो भी करेगी, उसमें कुछ रिमूव करने हैं वो भी करेगी, ग्रांट एग्जम्पशन, एग्जम्पशन दे सकती है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स की रूल्स कब से एप्लीकेबल होंगे वो सारी बातें आपकी ये बता सकती है। तो सिंपल सी बात कह रहा हूँ, सबसे छोटी बात ध्यान रखना, अगर एग्जाम में न्यू सिलेबस के अंदर बाई चांस क्वेश्चन बन सकता है कि भैया अगर नोटिफिकेशन की बात करूंगा तो सबसे पहली बात इन द मिडल ऑफ ईयर इशू होगी, इशू करने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट या सीबीडीटी होंगी, क्या इशू करेंगे एक्ट में, अगर कोई अमेंडमेंट्स करनी है तो एक्ट में अमेंडमेंट्स करने के लिए गवर्नमेंट क्या लेकर आएगी, नोटिफिकेशन लेकर आएगी। ये बात क्लियर है, यस सर। अगला पॉइंट फिर ये आता है सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन। आपको मैंने क्लास के अंदर बताया था सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है सर, एक लाइन के ना डबल मीनिंग आते हैं। अब अगर एक लाइन के डबल मीनिंग है, उस डबल मीनिंग को क्लैरिफाई करना है तो हम कैसे करेंगे, इसके थ्रू हम करेंगे। तो इट मीन्स गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रहे कि अगर कहीं पर भी एसएससी को डाउट होगा ना, उसके डाउट क्लियर करने के लिए हम सर्कुलर इशू करेंगे। बट ध्यान रखना, जो भी सर्कुलर गवर्नमेंट इशू करती है ना, वो डिपार्टमेंट पर तो बाइंडिंग होते हैं बट सर एसएससी पर नहीं होते। इट मीन्स सर्कुलर में जो भी क्लैरिफिकेशन दी होगी वो डिपार्टमेंट के लिए बाइंडिंग है, बट अगर एसएससी उसको नहीं मानता, उसके अगेंस्ट कहीं जाना चाहता, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, वो जा सकता है। अच्छा, नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट पर भी बाइंडिंग है, एसएससी पर भी है, मतलब नोटिफिकेशन दोनों पर बाइंडिंग है, बट अगर मैं सर्कुलर की बात करूंगा तो वो डिपार्टमेंट के ऊपर तो बाउंड होंगे बट एसएससी के ऊपर बाउंड नहीं होंगे। ये बात क्लियर है, यस सर। एक बार चेक कर देखो मैंने क्या लिखा है, सीबीडीटी इशू सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन टाइम टू टाइम बाइंडिंग ऑन एओ नॉट ऑन एसएससी एंड कोर्ट। इट मीन्स ना तो एसएससी के ऊपर बाउंड होंगे ना कोर्ट पर होंगे, बट जो हाँ डिपार्टमेंट होगा, इनकम टैक्स ऑफिसर होगा, उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, बाइंडिंग हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हमारा लास्ट में यहाँ पर एक पॉइंट आता है, केस लो जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। इट मीन्स आपको मैंने पहले भी कहा था कि जो जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होंगे ना, याद करो सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ लैंड। इट मीन्स एक बार अगर उसने कुछ बोल दिया ना सर, वो पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होगा। बट हाई कोर्ट का मतलब क्या है, जो हाई कोर्ट ने बोला, जो उसकी रिस्पेक्टिव स्टेट्स होंगी या उसके रिस्पेक्टिव एरियाज जो होंगे ना, सिर्फ वहीं पर एप्लीकेबल होगा, ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होगा। इट मीन्स अगर दिल्ली के हाई कोर्ट ने कुछ बोला, वो कहां पर एप्लीकेबल होगा, पूरे इंडिया पर या दिल्ली पर, दिल्ली पर। बट अगर इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने कोई बोल दिया तो पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होगा, फिर दिल्ली पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया की बात करेगा, हाई कोर्ट उस रिस्पेक्टिव एरिया या उस रिस्पेक्टिव स्टेट की बात करेगा। आप ये बात ध्यान रखना। अच्छा, बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ सर, अगर मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या सारे मैटर जाते हैं, गवर्नमेंट कहती है नहीं। देखो, मैटर ना आपके दो तरह के होते हैं, एक तो होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब जो भी आपके क्वेश्चन ऑफ लॉ वाले मैटर होंगे ना, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, अगर मैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट की बात करूंगा, उसकी लास्ट थोड़ी क्या है, आईटीएटी। इट मीन्स अगर आपको हाई कोर्ट के पास जाना है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है, वो क्वेश्चन ऑफ लॉ का मैटर होगा, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का वाला मैटर नहीं होगा। तो क्वेश्चन ऑफ लॉ आपका सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा, बट क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो होगा वो आईटीएटी के बाद नहीं जाएगा। आप ये बात ध्यान रखना। ये बात क्लियर है? तो सर, ये छोटी छोटी बातें हैं, एग्जाम में कई बार पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, मेन जो आएंगे ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे कैलकुलेशन के। बट उससे पहले बेस क्लियर तो मैंने आपको बता दिया। अगर मैं इनकम टैक्स के अब सोर्स की बात करूंगा तो क्या क्या आ गया, इनकम टैक्स एक्ट भी आ गया, इनकम टैक्स रूल्स भी आ गए, फाइनेंस एक्ट भी आ गया, नोटिफिकेशन भी आ गई, सर्कुलर भी आ गए, उसके बाद फिर क्या आ गया, केस लो। ये सारे के सारे क्या है, सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लो है। आप ये बात ध्यान दो। ये बात क्लियर है? यस सर। लो जी, अब यहां पर फिर हमारा आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ एक्ट, की एक्ट बनता कैसे है। सर आपने एक बात आना, देखो आपके ना रेगुलर क्लासेस के अंदर आपके टीचर ने भी आपको बताया होगा कि नॉर्मली बच्चा क्या बोलता है, पहले बिल होगा, पार्लियामेंट के हाउस होंगे, वो साइन करेगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, मतलब पहले पास करेंगे, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, वो साइन करेगा, फिर वो एक्ट बन जाएगा। 99% सीएस की फैमिली का ना बच्चा सर वो यही बात सोच के बैठा है कि पहले बिल है, पार्लियामेंट के हाउस है, फिर प्रेसिडेंट के साइन है, फिर वो एक्ट है, जबकि एक्चुअल में वो गलत है। इट मीन्स अगर मैं थोड़ी सिंपल सी बात करूं, याद करो मैंने क्लास के अंदर आपको बताया था कि बिल आपके दो तरह के होते हैं, एक तो होगा मनी बिल, एक होगा ऑर्डिनरी बिल। मेरी क्लास टैक्स की है, टैक्सेशन के सारे मैटर आपके मनी बिल में जाते हैं। इट मीन्स ऑर्डिनरी बिल की मैं बात नहीं करूंगा, इस बिल को मैं यहां से हटा रहा हूं। अब जो मनी बिल होगा ना, मनी बिल टैक्सेशन का मैटर है, सबसे पहले जाएगा लोकसभा, देन जाएगा राज्यसभा, इसके पास 14 डेज का टाइम होगा पास करने के लिए, फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास, जैसे वो साइन करके क्या बन जाएगा, एक्ट। 75 डेज में एक्ट बन जाता है।
और आपको मैंने पहले बताया भी था कि बिल से एक्ट बनने में टोटल कितने देते हैं 75। बट ध्यान सर ये सारा प्रोसेस मनी बिल का है, ऑर्डिनरी बिल का जो आपके लॉ के टीचर होंगे वो क्लास में डिस्कस कर लेंगे। मेरी डिवीजन क्लास टैक्सेशन की है, मैंने अपनी फैमिली को बता दिया कि सबसे पहले मनी बिल होगा, देन लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा के अंदर जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर वो साइन करेगा, फिर एक्ट बन जाएगा। बट जो ऑर्डिनरी बिल होगा ना, सब ध्यान रखना, पहले लोकसभा के पास जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। मनी बिल के लिए जरूरी है, बट ऑर्डिनरी बिल में वो दोनों में से पहले किसी भी हाउस में जा सकता है। वो सारी बातें आपने लोक के अंदर पढ़ी होंगी, तो बात समझ में आ रही है। तो एक्ट कैसे बनता है आज के बाद, ये बात ध्यान रखना कि अपना फाउंडेशन वाली बात मत कर देना कि पहले बिल होगा। आप ऑलवेज ये बोलना बिल दो तरह के होंगे, मनी बिल है ये वाला प्रोसेस है, ऑर्डिनरी के अंदर ये वाला प्रोसेस है। अरे जिनके एग्जाम जून 18 में थे या जिनके एग्जाम दिसंबर 18 में है ना, दोनों में ही फाइनेंस एक्ट 17 एप्लीकेबल है। अब बच्चा ये बात कहता सर जो हमने वहां पर इनकम टैक्स पढ़ा था क्या वो अब चल जाएगा? 95% सेम चलेगा, 5% थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स होती हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस क्लास के इसके अंदर ही कर लेंगे। तो सिंपल सी बात कह रही है कि जो आपका जून में फाइनेंस एक्ट था वही सेम यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, आप ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। अच्छा, तीन बातें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है अभी तक। सबसे पहली बात हमने डिस्कस की है कि एक तो आपका टैक्स का मतलब क्या होगा वो हमने देख लिया, दूसरा टैक्स के टाइप्स क्या होते हैं वो हमने यहाँ पर देख लिए, तीसरा मैंने आपको बता दिया कि भैया आपके जो भी एक्ट बनने का प्रोसेस क्या है वो सारी बातें हम यहाँ पर देख चुके हैं, और आपके इनकम टैक्स लो के सोर्स क्या होंगे वो भी हम सारी बातें देख चुके हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ना, अब अगर मैं सिंपल सी बात करूँ, अब चैप्टर नंबर 2 जो है अब आपका रियल में स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स अभी तक क्या था, बेसिक थ्योरेटिकल पॉइंट थे, अब कैलकुलेशन वाला पॉइंट जो होगा ना अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। एक बार यहाँ पर चेक करना, यहाँ से ना सर थोड़ा ध्यान से पढ़ना, और प्लीज मेरी सीएस की फैमिली से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप रिवीजन क्लास देखोगे ना, सबसे पहली बात मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सर पहले आपने चैप्टर नंबर 2 डिटेल में पढ़ लिया है तभी पढ़ना, अदरवाइज आपको क्या लगेगा कि विवेक सर को पढ़ाना नहीं आता। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या देखेंगे, अगर मान लो जिसने सर पहली बार मेरी रिवीजन क्लास देखी है वो क्या सोचेगा, इतना फास्ट पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना नहीं आता, ये है वो है। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने रेगुलर बैच में चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो 100% गारंटी देने को तैयार हूं, आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। हाँ, अगर चैप्टर कंप्लीट नहीं किया तो मे बी आपको दिक्कत आ सकती है, तो प्लीज सर चैप्टर पहले कंप्लीट कर लेना, उसके बाद अगर रिवीजन करोगे और फिर बेनिफिट ना मिले फिर आप मुझे कह देना। तो बेनिफिट जरूर मिलेगा, मैं अपना बेस्ट यहां पर डालूंगा, बस आपका बेस्ट काम, आपका सिर्फ काम यह है कि रिवीजन क्लास पूरी अटेंड करनी है। एक बार करो, दो बार करो, तीन बार करो, कहीं पर डाउट सारा प्लीज मुझसे यहां पर पूछ लो। आगे स्टार्ट कर दूं? यस सर। अच्छा, अब सुना ध्यान से, अब यहां पर ना सबसे मेन जो हमारा सेक्शन अब स्टार्ट हो रहा है उस सेक्शन का नाम हमारा क्या है, चार्जिंग सेक्शन। अच्छा, अगर मैं चार्जिंग सेक्शन की बात करता हूं ना सर, सेक्शन नंबर 4 आपका है चार्जिंग सेक्शन। अब सोच के मुझे बताना सर, छोटी सी बात है, क्या मैं सेक्शन नंबर 4 ये कह रहा हूं कि ये चैप्टर नंबर 2 का चार्जिंग सेक्शन है या पूरे इनकम टैक्स का? सर पूरे इनकम टैक्स का। इट मींस पूरे इनकम टैक्स में आपके जितने चैप्टर है ना, टोटल हमारे 28-29 चैप्टर है, उन 29 चैप्टर का एक ही सेक्शन है सेक्शन नंबर 4। और ये क्या बताएगा सेक्शन नंबर 4, ये बताता है कि भैया एक पर्सन पर इनकम टैक्स एक्ट ही कब लगेगा, वो सारी बातें कहां लिखी हैं, सेक्शन नंबर 4 के अंदर लिखी है। एक बार चेक करो सेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है। सेक्शन नंबर 4 ये बात कह रहा है, बिल्कुल नॉर्मल रीडिंग ले रहा हूं कि सेक्शन नंबर 4 एक्ट में क्या हमने क्लास के अंदर पढ़ा था। सेक्शन नंबर 4 क्या बोलता है, एवरी पर्सन whose total income of the previous year exceed the exemption limit is an assessee and chargeable to income tax at the rates prescribed in the Finance Act for the relevant assessment year। ये सारी बातें सेक्शन नंबर 4 में है। अब सर मेरे छोटे छोटे क्वेश्चन है, अगर आपने यहां पर ध्यान से देखा हो ना, मैंने कुछ की पॉइंट्स को ना यहां पर हाईलाइट किया हुआ है कि जहां पर हमें टाइम लगाना है। इट मीन्स अगर मैं सिंपल सी बात करूंगा, पूरे चार्जिंग सेक्शन में आपके ये वाले सारे की पॉइंट्स हैं जो यहां पर हमें टाइम लगाना है। अब एक बार चेक करो, देखो अगर मैं सबसे पहले सेक्शन नंबर 4 का पहला वर्ड पढ़ता हूं ना सर, सेक्शन नंबर 4 का पहला वर्ड ये बात कह रहा है एवरी पर्सन। इट मींस इस वर्ड को पढ़ने से क्या लग रहा है, एवरी पर्सन मतलब हर पर्सन पर लगेगा, सिर्फ इंडिविजुअल पर नहीं लगेगा। अच्छा, अब यहां पर ना रेगुलर बैच के अंदर एक बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा, बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा सर आप ये बात कह रहे हो कि सेक्शन 4 में ना एवरी पर्सन वर्ड लिखा है, तो आपने बोला हर पर्सन पर लगेगा, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या पता पर्सन की डेफिनेशन में ओनली इंडिविजुअल कवर होते हो। बिल्कुल सही बात बच्चा कह रहा है। इट मींस अगर मैंने कहा ना सर एवरी पर्सन, तो एवरी पर्सन से आप ये आइडिया मत लगाओ कि हर पर्सन पर लगेगा।
आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, अगर आप इंटेलिजेंट हो, क्वेश्चन ये हो सर पर्सन में कौन कवर है पहले तो वो बताओ, क्योंकि अगर लिखा हुआ है पर्सन मींस ओनली इंडिविजुअल तो सेक्शन फोर किस पर है, ओनली इंडिविजुअल पर है, और अगर वहां लिखा है इंडिविजुअल एचईएफ एओपी तो सब पर है, तो पर्सन में कौन कवर है वो भी हम यहां पर चेक करेंगे। अच्छा आप एक बात मुझे सोच के बताना, एवरी पर्सन पहला डाउट क्या रहा है, पर्सन में कौन कवर होगा, दूसरा लाइन ये बात कहना चाह रहा है एवरी पर्सन उस टोटल इनकम, मतलब सबसे पहली बात इनकम टैक्स आपका टोटल इनकम पर लगेगा, एक इनकम शायद आपने क्लास के अंदर पढ़ी होगी होती है ग्रोस टोटल इनकम, इट मींस अगर मैं ग्रोस टोटल इनकम की बात करूंगा उस पर नहीं है, जो भी आपका टोटल इनकम होगा उस पर सेक्शन फोर एप्लीकेबल होगा। अच्छा टोटल इनकम भी कैलेंडर ईयर की, याद करो अकाउंट्स में ना आपने ईयर किया होगा 1st of January से लेकर 31st December तक शायद आपने ईयर किया हो। अब अगर 1st of January से लेकर 31st December की बात करूंगा सर इसे हम क्या बोलते हैं, कैलेंडर ईयर, तो इनकम टैक्स में सबसे पहली बात कैलेंडर ईयर फॉलो नहीं होगा, फाइनेंशियल ईयर फॉलो होगा। अच्छा फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है, नॉर्मली जो 1st of April से लेकर आपका 31st March तक चलेगा, बट ध्यान रखना अगर मैं कह रहा हूं कि 1st of April से लेकर 31st March तक चलेगा ऐसा हर केस में नहीं है। अब प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, क्योंकि गवर्नमेंट ने वर्ड क्या कहा है, टोटल इनकम चेक करो प्रीवियस ईयर की, अब ये प्रीवियस ईयर में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा वो भी हमें यहां पर डिस्कस करना है। अच्छा फिर क्या लिखा है, प्रीवियस ईयर में इनकम ज्यादा हो एग्जम्पशन लिमिट, डाउट क्या आ गया सर एग्जम्पशन लिमिट कितनी है, मतलब कहां तक हमें टैक्स पे नहीं करना। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि अगर आपकी इनकम ज्यादा है आप क्या बन जाओगे, असेसी, अच्छा आप असेसी में कौन कवर होगा वो भी हमें यहां पर डिस्कस करना है। और अगर मेरी इनकम मान लो फॉर एग्जांपल एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, जैसे मान लो एग्जम्पशन लिमिट आपकी 2.5 लाख है, मेरी इनकम 4 लाख है तो एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो मेरी इनकम पर कौन सा रेट लगेगा, रेट दिया कहां होगा किस ईयर का होगा, देखो रेट कौन सा लगेगा दिया कहां पर होगा किस ईयर का लगेगा, वो सारी बातें हमें सेक्शन नंबर 4 में 1 by 1 करनी है। अच्छा अब मैं आपको ना छोटा सा 2 मिनट में कंसाइज करूंगा ताकि आपको फटाफट से यहां पर पता लगे मैंने बोला क्या। अगर मेरी सीएस की फैमिली ने सेक्शन नंबर 4 को ध्यान से देखा होगा ना सर, सेक्शन नंबर 4 मेरे हिसाब से ये बात कहना चाह रहा है किसी पर्सन की टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में अगर एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी ना वो असेसी बन जाएगा, एंड जैसे ही वो असेसी बनेगा अब वो टैक्स देगा, किस रेट से, जो रेट फाइनेंस एक्ट में होंगे और असेसमेंट ईयर के होंगे। अब जैसे मैंने लाइन बोली मेरे सीएस की फैमिली का घर बैठा बैठा एक बच्चा वहीं चिल्ला पड़ा और मुझे आवाज आ गई, मैंने कहा क्या हुआ, उसने कहा सर मेरी बात सुनो, मैंने कहा बोलो, उसने कहा सर आपने कहा कि अगर इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो मैं असेसी बन जाऊंगा, इसका मतलब क्या इनकम टैक्स में पर्सन और असेसी दोनों सेम है, फर्क होता है, फर्क होता है, इट मींस मैं क्या हूं सर, अगर मेरी इनकम 2.5 लाख तक है ना पर्सन, अगर मेरी इनकम 2.5 लाख से ऊपर है क्या बनेगा असेसी, मे बी अगर आपने एक लाइन सुनी होगी, आपने सुनी होगी वैसे ऑल असेसीज आर पर्सन बट ऑल पर्सन आर नॉट एन असेसी, जितने असेसी हैं सर वो पर्सन तो हैं बट हर पर्सन असेसी नहीं बनेगा, आप ये बात ध्यान रखना, हर पर्सन असेसी नहीं बनेगा, इट मींस पर्सन असेसी कब बनेगा, अगर इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है फिर तो असेसी बनूंगा, अगर इनकम एग्जम्पशन लिमिट तक है तो उस केस में असेसी की कोई भी लाइबिलिटी यहां पर नहीं आएगी, ये बात क्लियर है। और ये 1 by 1 चेक करते हैं, देखो सबसे पहला आ रहा है पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 231 में दी है, पर्सन इंक्लूड्स, हनी फटाफट से बोल देना इंक्लूड्स का मतलब क्या है, पर्सन में ये ही आएंगे ये भी आएंगे, फटाफट से आवाज दो ये भी आएंगे, इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है इंक्लूसिव, तो देखो क्या लिखा है पर्सन इंक्लूड्स एवरीवन, एवरीवन का मतलब चाहे इंडिविजुअल हो एचईएफ हो एओपी हो बीओवाई हो कंपनी हो फर्म हो सब लोग यहां पर आएंगे। अब मुझे बताना, अब मुझे सोच के बताओ, अगर मैं अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि पर्सन में कौन लोग कवर होगा तो आंसर क्या दोगे, ओनली इंडिविजुअल या सब लोग कवर हो जाएंगे, सर सब लोग कवर हो जाएंगे, बात समझ में आ रही है, यस यस पक्का पक्का आगे बढ़ जाऊं, हाँ जी सर आगे बढ़ो, तो पर्सन में इंडिविजुअल भी हैं एचईएफ भी हैं एओपी भी हैं बीओआई भी हैं जितने भी आपके लोग हैं वो सारे के सारे इस कैटेगरी में कवर हो जाएंगे। अच्छा फिर मैंने कहा था एवरी पर्सन उस टोटल इनकम, अब ये टोटल इनकम कैसे निकलेगी बताने जा रहा हूं सर, इनकम आपकी ना 2 तरह की होती है, एक तो आपकी होती है ग्रोस टोटल इनकम, दूसरी आपकी होती है टोटल इनकम, याद करो जब आपका चैप्टर नंबर 2 हमने क्लास में स्टार्ट किया था या आपने भी कभी किया होगा तो चैप्टर नंबर 2 में आपके टीचर ने बोला होगा ग्रोस टोटल इनकम का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी 5 हेड की इनकम होगी उसको लिख लो। अच्छा पांच हेड कौन से थे सर, 5 हेड तो हमारे में थे ही नहीं, नालायक को याद करो 5 हेड कौन कौन से थे, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी पीजीबीपी कैपिटल गेन अदर सोर्स, इन 5 हेड को कंबाइन कर लो, 5 हेड की इनकम निकल कर आ गई, एड कर दो, इसमें एड क्या कर दो क्लबिंग ऑफ इनकम,
क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब क्या है, चैप्टर हमारा आएगा। क्लबिंग का मतलब होता है दूसरे की इनकम को अपनी इनकम में जोड़ना। सर लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग की, प्लानिंग कैसे की सर, अपनी इनकम को अपनी वाइफ को दे दिया, अपनी इनकम को माइनर को दे दिया, अपनी इनकम को दोस्तों को दे दिया। गवर्नमेंट ने सारी प्लानिंग खत्म करके क्लबिंग ऑफ इनकम इंसर्ट किया। गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो भी 5 हेड की इनकम है उसमें क्लबिंग ऑफ इनकम ऐड कर दो, माइनस में कर दो लॉस। सर एक बात मैं बताना, जब इनकम होती है तो गवर्नमेंट कहती है लाओ टैक्स लाओ। सोच के बताना, जब इनकम थी तो गवर्नमेंट ने कहा लाओ टैक्स लाओ, अगर लॉस है तो क्या गवर्नमेंट मुझे कंपनसेट करे या ना करे? यस कंपनसेट करे। तो कंपनसेट कैसे करेगी, वो सारी बातें गवर्नमेंट ने कहा, जो भी आपकी इनकम आ रही है ना उसमें से लॉस माइनस कर दो, फिर जो बैलेंस इनकम निकल कर आई इसको हम नाम दे देंगे ग्रॉस टोटल इनकम। अब मेरी सीएस की फैमिली मुझे फटाफट से घर बैठे बैठे आंसर दे देगी, जी अगर मुझे निकालनी है ग्रॉस टोटल इनकम तो कैसे निकालूंगा, 5 हेड की इनकम प्लस में क्लबिंग ऑफ इनकम माइनस में लॉस, तो बैलेंस क्या आएगा, ग्रॉस टोटल इनकम निकल कर आएगा। ठीक है, अच्छा उसमें से ना फिर आप माइनस कर दोगे डिडक्शन। डिडक्शन याद करो आपने थोड़ी बहुत पढ़ी होंगी 80C से लेकर 80U। अभी हमारा क्लास में चैप्टर हुआ नहीं है, तो अगर क्लास में चैप्टर नहीं है तो उसके हम रिविजन भी यहां पर अभी नहीं करेंगे, बट हमारा एक चैप्टर होगा डिडक्शन का। तो देखना जो भी आपका GTI आएगा उसमें से माइनस करेंगे डिडक्शन, जो आपका बैलेंस निकल कर आएगा टोटल इनकम। अब पूरी फैमिली मुझे आंसर दे दे, सेक्शन 4 में वर्ड क्या है, सेक्शन 4 में GTI वर्ड है या TI वर्ड है? सर TI वर्ड है। तो सेक्शन 4 में TI वर्ड है ना, उस TI का मतलब क्या है, वो ये है। बात समझ में आ गई? अब मुझे फटाफट से बोलो आंसर TI कैसे निकलता है। सबसे पहले क्या निकलेगा, GTI माइनस करेंगे डिडक्शन, बैलेंस क्या आएगा TI। GTI कैसे निकलता है, 5 हेड की इनकम प्लस में क्लबिंग ऑफ इनकम माइनस में लॉस, तो बैलेंस क्या आएगा GTI। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही है। यस सर। उसके बाद देखो, अच्छा आप मुझे एक बार सोच के बताना अभी तक सेक्शन 4 फटाफट से घर बैठे बैठे बोलो, सेक्शन 4 में क्या लिखा था, एक बार मैं आपके साथ मैं बोलता हूं। सेक्शन 4 में लिखा था एवरी पर्सन पर्सन के देख लिया, हुज टोटल इनकम, टोटल इनकम के देख लिया, एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब सर अब ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का मतलब क्या, मैं वो समझाने जा रहा हूं। देखो इनकम टैक्स में ना आपकी ईयर की दो कैटेगरी होती हैं, एक तो प्रीवियस ईयर और एक आपका आता है असेसमेंट ईयर। अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूंगा, सेक्शन 3 में प्रीवियस ईयर है, सेक्शन 2(9) के अंदर असेसमेंट ईयर है। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने क्या बोला, द ईयर इन विच इनकम इज अर्न, मतलब जिस साल आपने पैसा कमाया वो क्या बन गया प्रीवियस ईयर, उस इनकम पर जिस साल टैक्स दोगे वो क्या बन जाएगा असेसमेंट ईयर। तो आपको मैंने यहां पर बोला देखो इनकम कमाने वाला साल ये है, इस इनकम पर जब भी टैक्स पे करोगे वो क्या बन जाएगा असेसमेंट ईयर। तो नाम से पता लग रहा है, देखो असेसमेंट असेस करना कैलकुलेट करना, बट एक पॉइंट यहां पर ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर 12 महीने का भी हो सकता है और 12 महीने से ना कम भी हो सकता है। बच्चा ये बात कह रहा है सर, मैंने कहा हाँ सर इसका मतलब क्या है कि 12 महीने का भी होगा 12 से कम भी होगा, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही, हमें एक बार दोबारा समझाओ, मन नहीं कर रहा हमारा। एक बात मैंने सोच के बताना सर, सोच के बताओ, अगर मान लो एक बिजनेसमैन ने, दोबारा बोल रहा हूं, अगर मान लो एक बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1st of August से, तो सर अगर मेरा बिजनेस 1st of August से स्टार्ट है तो क्या मेरा प्रीवियस ईयर 1st April से स्टार्ट होगा या अगस्त से स्टार्ट होगा, अगस्त से स्टार्ट होगा। और अगर मेरा प्रीवियस ईयर 1st August से स्टार्ट होगा, खत्म 31st March को होगा, तो सर क्या ये पूरे 12 महीने का हो गया, 12 से कम का हो गया, 12 से कम का हो गया। इट मीन्स मेरी पूरी फैमिली मुझे आंसर दे देगी, सोच के बताओ प्रीवियस ईयर 12 का है या 12 से कम का है, वो डिपेंड किस पर करता है, कि आपने बिजनेस सेटअप कब की है। सर आपने मेरा वर्ड दोबारा ध्यान सुना नहीं है, मैंने बिजनेस सेटअप की बात की, कमेंसमेंट की बात नहीं की। इट मीन्स अगर क्वेश्चन में कमेंसमेंट दिया होगा मेरे किसी काम का नहीं है, सेटअप जहां से दिया होगा वहां से मेरा ईयर स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, कई बार आपको सेटअप की डेट भी दी होगी, कई बार कमेंसमेंट की डेट भी दी होगी, कई बार आपको दोनों दी होंगी। तो अगर आपको दोनों दी हैं तो सेटअप वाली डेट लिखनी है, सिर्फ सेटअप दी है तो सेटअप वाली डेट, अगर कमेंसमेंट दी है तो फिर क्या अज्यूम करेंगे, जिस दिन कमेंसमेंट की वही सेम डे सेटअप का है तो वहां से हम स्टार्ट कर देंगे। देखो मैंने लिखा भी है स्टार्ट कहां से होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ सेटअप, खत्म कहां होगा 31st March। अच्छा असेसमेंट ईयर उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ऑलवेज 12 महीने का है। अच्छा ऑलवेज 12 महीने का क्यों है, क्योंकि जब प्रीवियस 31st March को खत्म होगा तो यह कहां स्टार्ट होगा 1st April से, अगली 31st March तक चलेगा, तो हमेशा 12 महीने का होगा, 12 महीने से कम का तो मतलब ही नहीं है। देखो मैंने क्या लिखा, स्टार्ट कहां से होगा 1st April से, खत्म होगा 31st March, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आ गई? अब आज के बाद अगर कोई आपसे पूछ लेगा भाई प्रीवियस ईयर, तो क्या बोलोगे, इनकम कमाने वाला साल प्रीवियस ईयर,
टैक्स देने वाला साल असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर 12 का भी होगा, 12 से कम भी होगा, असेसमेंट ईयर ऑलवेज 12 महीने का होगा। अब प्रीवियस ईयर कितने महीने का है वो डिपेंड किस पर करता है कि आपने बिजनेस सेटअप कब किया, उसके बेस पर आपको पता लगेगा कि भैया प्रीवियस ईयर कितने महीने का आएगा। अच्छा एक बार ना मुझे बस दो तीन, अच्छा मेरे मन में वैसे क्वेश्चन आ रहा है, पता नहीं आपको समझ में आएगी नहीं आएगी, एक बात में बताना, एक असेसी ने ना बिजनेस सेटअप किया यहां पर, बिजनेस कमेंसमेंट की यहां पर, बिजनेस सेटअप किया 1 अप्रैल 17 को, कमेंसमेंट की 1 जून 17 को। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, बिजनेस सेटअप किया 1 जुलाई 17 को, कमेंसमेंट की अगले साल की 1 जनवरी 18 को। दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, आपने बिजनेस सेटअप किया 31 मार्च 18 को, कमेंसमेंट की अगले साल 5 अप्रैल 18 को। आपको ना बस ये बताना है इनके प्रीवियस ईयर क्या होंगे। सर वादा करो। मैंने कहा क्या? सर आप बीच में नहीं बोलोगे, इन क्वेश्चन के ना हम आपको आंसर देंगे। ओके चलो जी खेलना स्टार्ट करो फटाफट से, इन तीनों के मुझे आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताओ कि प्रीवियस ईयर क्या क्या होगा। मैं जाकर कमेंट बॉक्स चेक करूंगा, आपका ध्यान रखना कि कमेंट बॉक्स में आपके आंसर यहां पर आने चाहिए, नहीं तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, फिर मतलब मूड खराब हो जाएगा मेरा, आप ध्यान रखना। फिर मुझे फटाफट से बताओ इनका प्रीवियस ईयर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। सर हमारा आंसर हो गया, चलो जी बताओ जी फटाफट से प्रीवियस ईयर क्या क्या निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले साल का, अच्छा सोच के बताना, अब क्या ये वाली डेट मैंने किसी काम की है? नहीं सर, इस पर तो क्रॉस कर दो, ये मेरे किसी काम की नहीं है। तो प्रीवियस ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18, फिर 1 जुलाई 17 से 31 मार्च 18, तीसरा ध्यान देखना 31 मार्च 18 से लेकर 31 मार्च 18, इट मींस एक दिन का। अब सोच के बोल देना सर अगर मैं कह रहा हूं प्रीवियस ईयर 12 का भी होगा 12 से कम भी होगा, देखो 12 महीने का ये वाला पूरा 12 महीने का है, ये वाले दोनों क्या 12 से कम है, इट मींस मैं सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूं सर प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम भी हो सकता है, वो चाहे एक दिन का ही क्यों ना हो। एक दिन का कब बनेगा? अगर मैंने 31 मार्च को ही बिजनेस सेटअप किया, उस दिन मैंने खत्म कर दिया तो बात ही खत्म हो गई ना। इट मींस सिंपल सी बात, लास्ट टाइम बोलूंगा मैं, प्रीवियस ईयर 12 का होगा 12 से कम भी होगा, 12 से कम का मतलब एक दिन का भी होगा प्रीवियस ईयर बट निकलेगा जरूर। बच्चा ये बात कहता सर हमें ना बस दो मिनट के अंदर ये बता दो, आपने ना क्लास में कुछ ऐसा बताया था कि अगर प्रीवियस ईयर नहीं निकलेगा वो इनकम एग्जम्प्ट कुछ आपने बताया था, वो हमें समझ में नहीं आया था। सर एक बात में बताना, यहां पर बैठा सीएस की फैमिली का ना बहुत सारा बच्चा इस टाइम घर बैठकर ना पता ये सोच रहा होगा कि यार एक दिन का प्रीवियस ईयर है तो इससे बढ़िया 9 निकालने फर्क क्या पड़ेगा। सर सोच के बताना, अगर मैं एक दिन का प्रीवियस ईयर नहीं निकालूंगा इसका मतलब क्या है? इस दिन वो जितनी इनकम कमाएगा ना वो सारी एग्जम्प्ट है। एग्जम्प्ट क्यों है? अगर आपने इस दिन को प्रीवियस ईयर नहीं माना तो सारी इनकम एग्जम्प्ट हो गई ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर की इनकम ही तो अगले साल टैक्सेबल होती है। और अगर आप कह रहे हो कि प्रीवियस ईयर ही नहीं है, इट मींस कोई प्रीवियस ईयर ही नहीं है तो असेसमेंट ईयर में क्या टैक्सेबल करोगे? तो सबसे पहली बात प्रीवियस ईयर तो निकलेगा, चाहे 12 महीने का हो, चाहे 4 महीने का हो, चाहे 10 का हो, चाहे एक दिन का ही क्यों ना हो, प्रीवियस ईयर तो आएगा, ठीक है ना। और असेसमेंट ईयर ऑलवेज 12 महीने का होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात क्लियर होगी? यस सर। अब हमें मजा आना स्टार्ट हो गया। सबसे पहली बात मैंने क्या कहा है, एवरी पर्सन, पर्सन का मतलब मैंने आपको बता दिया, एवरी पर्सन उस टोटल इनकम, टोटल इनकम का मतलब क्या है वो हमने देख लिया, एवरी पर्सन उस टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर देख लिया, एक्सीड द एग्जम्पशन लिमिट। अब अगला पॉइंट आ रहा है सर हमारी एग्जम्पशन लिमिट क्या है, एक बार चेक करना। देखो अगर मैं एग्जम्पशन लिमिट की बात करूंगा ना सर, अगर आप इंडिया के रेजिडेंट हो, देखो कई बहुत सारे नालायक बच्चे ना इस टाइम भी सो रहे हैं, वीडियो देखते हुए सो रहे हैं, मेरी वीडियो में पता नहीं कैसे नींद आ जाती है, मतलब मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके अंदर थोड़ी एनर्जी पैदा हो, बट बच्चा कह रहा है सर कुछ भी कर लो हम तो सोने में बहुत आगे हैं। सोना नहीं है पहली बात ध्यान रखना, सोना बिल्कुल भी नहीं है, मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप बीच में सो जाओगे। इधर देखो ध्यान से फटाफट खड़े हो जाओ, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एज आपकी लेस देन 60 है, मैंने एक वर्ड बोला 60 या लेस देन 60, लेस देन 60। दूसरा केस क्या बोला, 60 या उससे ज्यादा है, लेस देन 80 है। तीसरा केस क्या बोला, 80 या उससे ज्यादा है। तो देखो रेजिडेंट, अगर आप रेजिडेंट हो अपनी बात करेंगे, सर मैं रेजिडेंट हूँ, मेरी एज लेस देन 60 है 2.5 लाख,
60 और उससे ऊपर है 3 लाख है, 80 उससे ऊपर है 5 लाख है, और अगर मैं नॉन रेजिडेंट हूं चाहे मैं कहीं पर भी कवर हूं, 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख, इट मीन्स 3 लाख और 5 लाख का बेनिफिट ओनली फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल, नॉट फॉर नॉन रेजिडेंट। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा ना, क्वेश्चन ध्यान से बनेगा कि क्वेश्चन आर का या अनार का है। अगर क्वेश्चन बनेगा आर का तो ये चेक करोगे, अगर क्वेश्चन बनेगा ना अनार का तो अनार वाले केस में चेक नहीं करनी, हर केस में 2.5 लाख एग्जम्प्ट होगा, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, असेसी का मतलब क्या, आगे एक बार था ना असेसी, वो असेसी बन जाएगा। अब यहां पर बच्चा गलती करता है, सर सोच के बताना, असेसी मींस ए पर्सन बाय होम एनी टैक्स और एनी अदर सम पेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट। सर हमें तो ना कुछ भी समझ में नहीं आया कि असेसी आपने क्या बोला। इधर देखो ध्यान से, सर एक बात मुझे बताना, आपकी ना टोटल इनकम जो है मान लो वो 2 लाख रुपए है। अच्छा, अगर टोटल इनकम 2 लाख रुपए है आप क्या बनोगे, पर्सन बनोगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर आपकी टोटल इनकम 3 लाख रुपए है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप क्या बन जाओगे, असेसी बन जाओगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये बात कहना चाह रहा हूं सर, अगर एक पर्सन की इनकम ना सिर्फ 1 लाख रुपए है, इनकम सिर्फ 1 लाख रुपए है, बट इसने एक पर्सन को ना पेमेंट की थी, उस पेमेंट पर ना इसको एक चैप्टर था टीडीएस का, अभी हमने रेगुलर क्लास में नहीं किया, बट पहले जिन बच्चों ने पहले के पढ़े हुए उनको टीडीएस का पता होगा, टीडीएस क्या होता है। इसने पेमेंट किया एक पर्सन को, उस पेमेंट पर टीडीएस काटना था, बट इस पर्सन टीडीएस काटा नहीं। अब टीडीएस का चैप्टर ये बात कहता है कि अगर कोई पर्सन टीडीएस नहीं काटेगा ना, वो डिफॉल्टर बन जाएगा, उस पर लगेगा इंटरेस्ट पेनल्टी। अब जैसे ही डिफॉल्टर बना क्या लगा, इंटरेस्ट पेनल्टी लगा। अच्छा, इंटरेस्ट पेनल्टी लगा, अब ये इसको सर 1 लाख है, इसको टैक्स पे नहीं करना, बट क्या पे करना, इंटरेस्ट पेनल्टी। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि ऐसा कोई पर्सन जो इस एक्ट में या तो टैक्स या एनी अदर सम अंडर दिस एक्ट भी पे करेगा तो भी वो सही है। पता नहीं आपको मेरी बात समझ में आई नहीं है, इट मीन सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि या तो मैं टैक्स पे करूंगा तो भी एसएससी, अगर मैं टैक्स के अलावा और भी कुछ पे करूंगा इस एक्ट में तो भी क्या बन जाऊंगा, एसएससी बन जाऊंगा। तो बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं टैक्स भी दे रहा हूं, देखो इस वाले केस के अंदर मैंने टैक्स दिया, मैं एसएससी हूं, यहां मैंने टैक्स नहीं दिया बट मैंने क्या पे किया, इंटरेस्ट पेनल्टी, तो उस केस में क्या बन गया, एसएससी। तो चेक करो, देखो एसएससी की लैंग्वेज में क्या लिखा उन्होंने यहां पर लिखा हुआ है कि एसएससी मींस ए पर्सन बाय होम एनी टैक्स और एनी अदर सम पेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो वो क्या बन जाएगा, एसएससी बन जाएगा। ये बात क्लियर है? पक्का? यस सर। आगे देखो फिर। अच्छा, अब यहां पर हमारे स्टार्ट हो रहे हैं रेट ऑफ इनकम टैक्स। अब यहां से ना हमारा मेन पोर्शन अब स्टार्ट हो रहा है, अब यहां पर गेम खेलने का मजा आएगा। फटाफट से पहले ऐसा करो, कैलकुलेटर अपने हाथ में ले लो, हमें क्वेश्चन के देखो, चाहे मेरी रिवीजन क्लास है, आपको शायद अगर आपने मेरी पुरानी रिवीजन क्लास देखी है, सर मैंने आपको पहले भी कहा था चाहे मेरी रिवीजन क्लास है, बट जहां पर एक पॉइंट आएगा ना उसको हम डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं। मतलब 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर क्लास में तो हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बट यहां पर इतना टाइम नहीं है, तो बट फिर भी मैं पूरी फैमिली के साथ एक एक क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट का डिस्कस करूंगा। तो 2 मिनट में कैलकुलेटर अपने हाथ में ले लो, ताकि जिसको टैक्स लायबिलिटी निकालनी नहीं आती, सरचार्ज निकालना नहीं आता, एमआर निकालना नहीं आता, रिबेट निकालनी नहीं आती, आज यहां पर आपको सीख के जाना है। मतलब कुछ ना कुछ नया सीख के जाना, ध्यान रखना सर, अगर आपको टैक्स निकालना नहीं आता, आज घर वालों पापा को पकड़ लेना, पापा के शाम को आते कि पापा पापा फटाफट इनकम बताओ हम टैक्स निकालेंगे, और अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है, 50 लाख से ऊपर है, सरचार्ज भी लगा देना, और सेस लगाना मत भूलना, सेस तो हर केस में लगता है। ठीक है, एक बार चेक करते हैं, देखो जी। अच्छा, सबसे पहले मैं रेट ऑफ इनकम टैक्स और टैक्स लायबिलिटी की यहां पर बात करने जा रहा हूं, बट उससे पहले सर आपको एक बात आना, आपको ना मैंने पहले कहा था कि सेक्शन नंबर 4 क्या सिर्फ इंडिविजुअल पर है, सब पर्सन पर है, बट सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, ओनली इन द केस ऑफ इंडिविजुअल। इट मींस अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो मेरे केस में टैक्स कैसे निकलेगा, वो सारी बातें मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं। देखो, इंडिविजुअल की 2 कैटेगरी मैंने बनाई है, या तो इंडिविजुअल इंडिया का रेजिडेंट होगा या वो क्या होगा, नॉन रेजिडेंट पहली कैटेगरी है। अगर वो रेजिडेंट होगा 3 कैटेगरी होगी, या तो लेस देन 60 होगी, या 60 और मोर, लेस देन 80 होगी, या क्या होगी, 80 और मोर होगी। लेस देन 60 वाले को हम क्या कहते हैं, यंगर एज कैटेगरी, इसको कहते हैं सीनियर सिटीजन, इसको कहते हैं सुपर सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन। एक बार दोबारा बोलूंगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने जो बैठा हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां पर कवर हूं सर, यंगर एज कैटेगरी में कवर हुआ, आप यंग हो,
इट मीन्स आप जो हो, आप फैमिली के मेंबर, मीन्स आप कहां पर कवर हो? सीनियर सिटीजन। अच्छा सर मजाक मत करो। हाँ हम कहां पर कवर है? हम भी कहां कवर है? यंगर है। बट आपके फादर ग्रैंडफादर में भी कहां कवर होंगे? इसमें। और अगर आपके घर में कोई 80 या उससे ऊपर का है तो वो कहां जाएगा? इसके अंदर जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो मैंने क्या लिखा है, अगर इस कैटेगरी में कवर हूं 2.5 लाख तक, 3 लाख तक, 5 लाख तक, नील। मैंने पहले भी कहा था एग्जम्पशन है, कोई टैक्स पे नहीं करना। 2.5 लाख से ज्यादा है 5 लाख तक है, 3 लाख से ज्यादा है 5 लाख तक है, तो उसके इसमें गवर्नमेंट कहती है 5%। सर पहले अगर कोई पुराना बच्चा, बहुत पुराना बच्चा होगा ना, एक दो टाइम पहले का, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा 10%, अब हो चुका है 5। ये हमने जून के अंदर भी पढ़ा था। अच्छा 5% सर पूरी इनकम का नहीं, जितना आपका एक्सेस पोर्शन होगा ना उसका सिर्फ आपको 5% पे करना है। इट मीन्स सर एक्सेस का मतलब समझ में नहीं आ रहा। मान लो सर मेरी इनकम 3 लाख है, मान लो मेरी इनकम 3 लाख है, 2.5 लाख की कमते हैं, तो 2.5 लाख से कितनी ऊपर है? 50,000। उस 50,000 का जो 5% आएगा ना वो आपका यहां पर आएगा। बात समझ में आ रही है? यस। अच्छा अगर मेरी इनकम 5 लाख से भी ऊपर है, 10 लाख तक है, तो गवर्नमेंट कहती है 20% किसका? एक्सेस। एक्सेस किसका? जितनी इनकम 5 लाख से ऊपर है। और अगर 10 लाख से भी ऊपर है, भैया आप बहुत अमीर हो, तो 10 लाख से ऊपर वाली इनकम पर क्या पे करोगे आप? 30% यहां पे करोगे। बात ध्यान रखना। सर मैंने कहा हाँ, सर आप हमें एक बार दोबारा बता दो। ओके इधर देखो ध्यान से, सबसे पहली बात अगर आपको इंडिविजुअल का टैक्स निकालना है, सबसे पहले आप ये चेक करो उसकी कैटेगरी क्या है। रेजिडेंट है अलग कर दो, एनआरआई अलग कर दो। रेजिडेंट की 3 कैटेगरी बनाओ। भाई तू लेस देन 60 है इसमें जा, 60 और मोर लेस देन 80 है इसमें जा, 80 और मोर वाला तो उसमें जा। लेस देन 60 वाले में 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक, 3 लाख से लेकर 5 लाख तक 5%, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20%, और 10 से ऊपर वाली पर क्या लगेगा? 30। और मैंने आपको पहले भी कहा था एनआर के हर केस में क्या लगेगा, देखो वही 2.5 लाख वाला, ये वाला जो है ना, ये वाला सारा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। 2.5 लाख तक नील है, 2.5 से लेकर 5 लाख, 5 लाख उसके बाद फिर 20%, फिर 30%, ये सारी बातें वही जो आपने रेजिडेंट के लेस देन 60 वाले केस में की है, वही सारी बातें आपकी यहाँ पर निकल कर आती है। ये बात निकल कर आती है पक्का पक्का। अच्छा मेरे मन में बैठे बैठे ना एक क्वेश्चन आ गया, मैंने रेगुलर क्लास के अंदर तो करवाया था, बट मैं सोच रहा हूँ कि आपको भी फटाफट से रिवाइज करवा दूँ, क्योंकि एग्जाम में कहीं क्वेश्चन वहां से बनना जाए। एक बात मुझे बताना सर, मान लो ये आपका ना ईयर है 17-18, अब मैंने क्या बोला है, इस ईयर की इनकम पर आपका टैक्स कब लगेगा? 18-19 में लगेगा, मतलब यहां टैक्स लगेगा। अच्छा अब रेट जो होंगे वो आपके असेसमेंट ईयर के होंगे, बट मान लो इस साल मैंने इनकम कमाई जो है ना वो कमाई है टोटल 15 लाख। आंसर सर आप मुझे दोगे कमेंट बॉक्स के अंदर, 15 लाख मैंने इनकम कमाई है। और यहां पर एक पर्सन का ना मान लो डेट ऑफ बर्थ है, यहां पर उसकी एज है यहां पर 59, और यहां पर हो गया वो 60 साल का। अब दिक्कत यार है कि जो उसने 15 लाख इनकम कमाई, उस 15 लाख पर मैं उसे एग्जम्पशन लिमिट कौन सी दूं? अगर मैं ये यूज करूंगा तो 2.5 लाख दूंगा, अगर ये करूंगा तो 3 लाख दूंगा। सर एक साथ हमारा क्वेश्चन एक और आ गया, मैंने कहा वो क्या? सर ऐसा भी तो हो सकता है यहां 79 हो और यहां 80 हो। मैंने कहा यार बात तो सही है, ये भी पॉसिबल है। इट मीन्स अब आप क्या दोगे, आप 3 लाख दोगे या 5 लाख दोगे? मैंने कहा यार क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है। इट मीन्स मेरी प्रॉब्लम समझ में आ रही है, प्रॉब्लम क्या है? इट मीन्स अगर कोई क्लाइंट आपके पास आ गया, सीएस आप बन चुके हो, बस कुछ ही घंटे सीएस बनने में रह गए आपके, एक क्लाइंट आपके पास आ गया, उसने कहा कि सर सर, आपने कहा हाँ, उसने कहा यार मेरी इनकम ना टैक्स निकाल दो, बट उसने कहा मैं इस साल ना ऐसे पहले 59 का था, फिर 60 साल का हो गया, आप बताओ तो लो क्या बोलता? अच्छा आप मेरी फैमिली क्या कह रही है? देखो आपने पहले पढ़ा होगा, आपने पहले रेगुलर बैच के अंदर पढ़ लिया होगा, तो आपको अगर ध्यान आ रहा, आपके टीचर साहब ने बात कही होगी कि प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम अगर आप उस कैटेगरी में कवर हो जाओगे ना तो आपको हायर रेट मिलेंगे। किस कैटेगरी में कवर हो जाओगे? 60 साल और 80 साल के अंदर। तो अगर मैं 60 साल में कवर हो गया, पूरी इनकम पर, दोबारा लाइन बोलूंगा, पूरी इनकम पर क्या रेट लगेगा? 60 साल वाला। और अगर मैं 80 में कवर हो गया तो पूरी इनकम पर क्या रेट लगेगा? 80 साल वाला। आप ये बात ध्यान रखना, ये बात क्लियर है? तो सर ये बात एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मुझे ध्यान आ गया बैठे बैठे की रिवाइज मैं करवा देता हूँ चलो आपको। तो अगर ऐसा कोई केस है तो पूरी इनकम पर यहां लगेगा 60 साल वाला, और अगर 80 साल वाला केस तो पूरी इनकम पर क्या लगेगा? 80 साल वाला रेट लगेगा। अच्छा अभी तक मैंने क्या निकालना सिखा दिया? अभी तक मैंने आपको टैक्स निकालना बता दिया कि 5%, 20%, 30% ये टैक्स के रेट है। अब इतनी चीजें करने के बाद ना, अब आगे गवर्नमेंट कहती है
कि यहां तो आपका हम टैक्स निकाल देंगे। अब टैक्स निकालने के बाद अगला स्टेप पता है क्या? अगला स्टेप यह है कि भैया आप क्या हो। सबसे पहले बात करूंगा रेजिडेंट की, इसकी बात करूंगा। इट मीन गवर्नमेंट ये बात कह रही है भैया अगर आपकी, ध्यान सुनो सर, अगर आपकी टोटल इनकम 3.5 लाख रुपए तक है तो आप अलग कैटेगरी में जाओगे। क्यों, इसका रीजन दूंगा। 3.5 लाख से ऊपर है 50 लाख तक है, अलग कैटेगरी में जाओगे। अगर इनकम 50 लाख से ऊपर है 1 करोड़ तक है, अलग कैटेगरी में जाओगे। और भाई साहब अगर इनकम 1 करोड़ से भी ऊपर है ना, फिर आप अलग कैटेगरी में जाओगे। इट मीन्स अगर मैं सर अपना एग्जाम्पल लूं, अगर मैं अपना एग्जाम्पल लूं तो इनमें से मेरी कौन सी कैटेगरी है? इनमें से मेरी कैटेगरी आपकी 3.5 लाख तक है। इट मीन्स पूरे साल में मुझे इनकम कितनी आती होगी? 3.5 लाख ही आती होगी। इससे ऊपर सर मेरी इनकम नहीं आती, बिलीव मी, पापी पेट का सवाल है, 2 रोटी खाने और कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद अच्छा, आपके फादर साहब की इनकम या किसी की भी इनकम, मान लो मेरे फादर की इनकम 3.5 लाख से ऊपर है और 50 लाख तक, इस कैटेगरी में जाते हैं। 50 लाख से ऊपर वाले, 1 करोड़ वाली कैटेगरी वाले इसमें जाएंगे। 1 करोड़ से ऊपर वाले मुकेश अंबानी साहब, वो जाएंगे इस कैटेगरी के अंदर। अब सुना ध्यान से सर, मैं इस वाले केस में ना इसमें बात करूंगा सिर्फ रेजिडेंट की। और इन तीनों में बात करूंगा एनआर और आर दोनों की। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अगर इनकम गवर्नमेंट के लिए 3.5 लाख रुपए तक है ना, तो उस केस में आपको रिबेट कॉन्सेप्ट वहां पर मिलेगा। पहले इनकम की लिमिट 5 लाख होती थी जिनके एग्जाम पुराने हैं, बट आपने जून में अगर पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत, या आपने रेगुलर बैच के अंदर पढ़ लिया, तो आपके टीचर साहब ने कराया होगा कि इनकम अगर 3.5 लाख रुपए तक होगी तो रिबेट मिलती है। बट रिबेट सबको नहीं है। सबसे पहली बात, आप किसको मिलेगी देखो, बट ओनली फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल। रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, इनकम 3.5 लाख रुपए तक है तो 2500 रुपए तक की रिबेट मिलेगी। सर मैंने कहा हाँ सर, इसका मतलब ये वाला रिबेट वाला कॉन्सेप्ट क्या एनआर के लिए नहीं है? मैंने तभी तो लिखा सिर्फ रेजिडेंट के लिए। सर अगर मैं एनआर हूं, मेरी इनकम 3.5 लाख तक है, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जो नॉर्मल टैक्स आएगा उसमें सेस ऐड करो, गवर्नमेंट को पे कर दो। इट मींस अगर आपकी इनकम 3.5 लाख रुपए तक है तो रिबेट वाला कॉन्सेप्ट ओनली इन द केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल, नॉट इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। ये बात समझ में आ गई ना? अच्छा अब सुना ध्यान से, अगर मेरी इनकम 3.5 लाख से ऊपर है, रिबेट है ही नहीं, रिबेट नहीं है ना, क्योंकि 3.5 लाख तक रिबेट है, 3.5 लाख से ऊपर चली गई, चाहे मैं रेजिडेंट हूं चाहे मैं नॉन रेजिडेंट हूं, कुछ भी नहीं करना। अगर इनकम 50 लाख तक है, नो रिबेट, नो सरचार्ज, नो रिबेट, नो सरचार्ज, सिर्फ टैक्स प्लस में 3% सेस पे कर दो। सर अगर मेरी इनकम 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक है, तो क्या होगा? पहले निकालोगे रिबेट तो है नहीं, पहले निकालोगे टैक्स, मतलब वहां सरचार्ज लगेगा। वहां लगेगा सरचार्ज, किस रेट से लगेगा? 10% से। अगर इनकम 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है, 10% सरचार्ज है। 1 करोड़ से अगर ऊपर इनकम होगी तो क्या रेट होगा? 15% रिबेट, तो आपके ऑब्वियस बात है वहां पर भी नहीं है। अच्छा एक वर्ड मैंने लिखा है सर, ये सब्जेक्ट टू एमआर, इसका मतलब मुझे आपको समझाना है कि इस एमआर का मतलब क्या है। मैंने जून के अंदर भी समझाया था, बहुत सारे बच्चों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया था, सर ये कॉन्सेप्ट आज तक उन्हें क्लास में समझ ही नहीं आया, बट समझ में आ गया था, रिवीजन क्लास के अंदर ही आ गया था। तो मैं कोशिश करूंगा कि जिन बच्चों ने उस टाइम अटेंड नहीं की थी, जो बिल्कुल फ्रेश बच्चे भी दिसंबर के मेरी फैमिली के साथ मेरे अभी जुड़े हैं, तो उन बच्चों को भी समझ में आए, इसलिए मैं यहां पर आपको एग्जांपल दे दूंगा कि ताकि आपको दिक्कत ना आए। पासवर्ड में आ रही है, एक बार मुझे दोबारा बोल देना। देखो जब भी आपका ये यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले यहां तक बोलो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। रेट पता लग गए, ये रेजिडेंट वाले केस में ये वाले रेट हैं, एनआर वाले केस में ये वाले रेट हैं, और इसके बाद फिर चेक करो उसकी इनकम कितनी है। बोलते रहना फटाफट से, घर बैठे बैठे बोलोगे तो माइंड चलेगा, घर बैठे बैठे एनर्जी लेवल से बोलना है, ताकि घर वाले भी कहीं बच्चा पढ़ रहा है। अगर इनकम 3.5 लाख तक है, रिबेट मिलेगी सबको, रिबेट मिलेगी सबको, या रेजिडेंट को, रेजिडेंट को, रेजिडेंट को तब मिलेगी, बट कितनी मिलेगी? जितना भी टैक्स आ रहा है सारा, या 2500 रुपए तक, 2500 रुपए तक। इट मीन नॉन रेजिडेंट को रिबेट नहीं मिलेगी। अगर इनकम 3.5 लाख से ऊपर है, 50 लाख तक है, ना रिबेट है ना सरचार्ज है, टैक्स प्लस सेस। 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक है, कोई रिबेट नहीं है, सरचार्ज है, तो देखो क्या लिखा है, टैक्स प्लस सरचार्ज माइनस में एमआर प्लस में सेस ही आएगा। और वही सेम अगर 1 करोड़ से ऊपर है, सरचार्ज 15% है, वही सेम यहां पर आपका टैक्स निकल कर आएगा, ऐसे निकल कर आएगा। सर मैंने कहा हाँ सर, ये तो हमें समझ में आ जाता है, बट जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, फिर हमें दिक्कत आती है, फिर हमसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं सर, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए रखे हैं। मेरी ऑल ओवर इंडिया स्टेम सीएस की जितनी भी फैमिली से, देखो मैं करने में घर से भी कर आ सकता था, मेरा काम आसान होता, बट मैंने आपको पहले भी कहा था सर, अगर मुझे काम आसान करना होता ना, मैं लास्ट रिवीजन क्लास भी शेयर कर सकता था।
बट बिलीव मी सर, मेरा दिल जानता है, मे भी आप में से बहुत सारे बच्चों को, मतलब एक बच्चे का कल मैं कमेंट पढ़ रहा था, उसने कहा कि मार्केटिंग के लिए मैंने डिसलाइक कर दिया। तो सर बिलीव मेरा दिल जानता है कि अगर मेरे दिल में 1% भी अगर मार्केटिंग का अगर होता ना सर, मतलब उसने गलत बोला है, बिलीव मी दिल में मार्केटिंग का कभी आया ही नहीं। मार्केटिंग सर आप मुझे एक बताओ, मैं आपका बेनिफिट कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग मेरे ऊपर है यार, मतलब मैं उनसे बड़ी ब्लेसिंग किसी की नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी हेल्प हो जाए, क्योंकि सर जिस स्टेज से मैं निकला हूँ ना, जिस स्टेज से मैं निकला हूँ सर, हम उस टाइम ना तरसते थे कि भैया इतना वाइड सिलेबस का कोई रिविजन कराने वाला हो। और अगर अगर मार्केटिंग सर, अगर मार्केटिंग बात होती, मेरी लास्ट रिविजन क्लासेस को मैं शेयर करता, उसमें मेरे व्यूज बढ़ जाते, मेरे को तो बेनिफिट था ना, मेरा टाइम बचता। बट मैं टाइम बचाने की बात नहीं है सर, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं आपके साथ यहाँ पर बैठा हूँ, मेरा फैमिली का हर बच्चा यहाँ पर देख रहा होगा इसको, और जो फ्रेश एनर्जी है ना, जो फ्रेश एनर्जी है उसको देने का अलग ही मजा है। मुझे नहीं पता कि आपको मतलब घर बैठे बैठे पॉजिटिव वाइब्स कितनी आती होंगी मेरे अंदर से, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर हर इवन मेरे रिवीजन क्लास 1 के 3,000 व्यूज भी है ना सर, मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। बट मुझे थोड़ा सा कई बार बुरा लगता है कि यार 10,000 फैमिली मेंबर है, 3,000 व्यूज है, इट मीन्स बच्चे अभी देख ही नहीं रहे। और फिर बाद में दिक्कत क्या है कि फिर बाद में मैसेज करेंगे सर रिवीजन क्लास कब अपलोड होगी, और उन्हें नहीं पता कि मैं अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, मतलब डेली आके मैं अपलोड कर रहा हूँ, अभी वो चेक नहीं करे, फिर बाद में क्या करेंगे, और फिर बाद में वही दिक्कत आएगी, फिर बच्चा फेल होता है। तो मैं आपको सर प्लीज, मेरा दिल ये बात करते, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैक्सिमम आपके जितने भी दोस्त हैं, अगर वो रिविजन चाहते हैं, तो अगर उनके चैप्टर हो चुके हैं सर, प्लीज ये रिवाइज कर लेना, बाद में बहुत हेल्प मिलेगी। और लिखकर देने को तैयार हूँ, आप अप्रिशिएट करोगे इस बात को कि सर जो आपने पहले रिविजन क्लास लगाई है ना, उस वर्ष हमारे इतने मार्क्स आए हैं। तो सर बाद में बहुत प्रेशर होता है, बहुत सारे पेपर होते हैं, और इतने पेपर होने के साथ साथ हम रिवाइज नहीं कर सकते, अभी टाइम सही टाइम है, इस बार मैंने तभी पहले स्टार्ट कर दिया। रेगुलर बैच भी मेरे चल रहे हैं, अभी मेरा लक्ष्मीनगर, देखो लक्ष्मीनगर के अंदर मेरा स्टूडियो है, तो मेरी अभी प्रोफेशनल की क्लास खत्म होती है, उसके बाद मैं आपके लिए यहाँ पर 2-3 घंटे बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि नहीं यार ये रिकॉर्डिंग आज शाम को मैं डाल दूंगा, ताकि बहुत सारे बच्चों के, कल मेरे पास मैसेज ऑलरेडी कम्युनिटी उसमें आ चुके थे कि सर हमने रिविजन क्लास 1 देख ली है, आप सेकंड अपलोड कर दो, तो मैं आपके लिए अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि मैं आज इवनिंग में इसको अपलोड कर दूँ। तो कम से कम 2 रिवीजन क्लास आपकी हो जाएंगी, फिर 2 दिन के बाद तीसरी करूंगा, देन चौथी करूंगा, ऐसे 1 बाय 1 करूंगा ना, अभी से रिवाइज होगा तो आप फिर चेक करना आपका टेक्स्ट कैसे स्ट्रोंग नहीं होगा, मतलब मुझे नहीं लगता कि फिर टेक्स्ट में कोई कमी आपको आने वाली है। ठीक है जी, चलो अब फटाफट से एक क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, ये वाले सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, फटाफट टेक्स्ट निकालो, घर बैठे पहले कैलकुलेटर उठाओ, मैं भी, मेरा कैलकुलेटर ये रहा, मेरा कैलकुलेटर ये रहा, अब मैं भी अपने क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप भी अपने क्वेश्चन करो, और यहाँ पर आंसर निकालते हैं। चलो जी फटाफट से आंसर निकाल कर बताओ। अच्छा सबसे पहले देखो, एक बार मैं आप बोल देता हूँ, एक्स वाई जेड ए बी सी, पहले क्वेश्चन में आर है, एन आर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज 48 है, ठीक है, बाकी सब में क्या है, वो आर है, एज दी हुई है आपको, आपको इनकम दी हुई है, आपको निकालना है फाइनल टैक्स। फाइनल का मतलब समझ में आ गया ना, इंक्लूडिंग सेस, इंक्लूडिंग 3% सेस, आफ्टर रिबेट, सब कुछ निकालना है। आओ जी 1 बाय 1 मैं आपको समझाता हूँ, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया आप समझ लो ध्यान से। सर इनकम 2,40,000 है, फटाफट बोलो, इनकम 2,40,000 है, 2.5 लाख तक कितना टैक्स आता है, नील। सर ये क्वेश्चन तो हम भी कर सकते थे, आपने कौन सा बड़ा काम किया। ओके चलो ये टैक्स मेरा आ गया नील, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब इनकम है 3,10,000, अब सोच के बताना सर इनकम आपकी ना, इधर चेक करो, 3,10,000 है। अब मैंने बोला था कि आपकी 2.5 लाख इनकम एग्जम्प्ट है, अगर 2.5 लाख इनकम एग्जम्प्ट है तो 2.5 लाख से ऊपर कितनी है सर, ऊपर है 60,000, क्योंकि 60,000 ऊपर है ना, 3, 10 में 2.5 तो गए, बाकी रह गया 60,000, उसका निकाल दो 5%, कितना निकल कर आ गया 3,000। अब सर सोच के बताना, मैंने कहा था अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल की टोटल इनकम 3.5 लाख रुपए तक होगी, रिबेट भी मिलेगी। अब चेक करो, सबसे पहली बात इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, इनकम 3.5 लाख तक है, क्या रिबेट मिलेगी नहीं मिलेगी, यस मिलेगी, कितनी मिलेगी, मैक्सिमम 2,500। तो अगर आपका टैक्स यहां पर 3,000 आ रहा है, उसमें से 2,500 रुपए की रिबेट माइनस कर दो, बैलेंस आ गया 500 रुपए, प्लस में 3% सेस कितना आ गया, 515 रुपए आपका ये निकल कर आ गया। तो आपका यहां पर टैक्स कितना आएगा, 515 रुपए। अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो प्लीज नालायक को चेक करो, आपसे गलती हो कहां रही है, क्योंकि टैक्स निकालने में गलती होना बहुत बड़ा महापाप माना जाता है एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए खासतौर पर, और इस टाइम अगर आप चैप्टर कर चुके हो डिटेल में, ये बात ध्यान रखना। अच्छा अगला मेरा क्वेश्चन आ रहा है, 5,40,000, ध्यान रखना, रेजिडेंट है, 60 साल से ऊपर है, 5,40,000 इनकम है। सबसे पहली बात, एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, 3 लाख वाली मिलेगी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यस 3 लाख वाली मिलेगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने बोला 3 लाख तक नील है,
3 लाख से लेकर 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक है 20%, और 10 लाख से ऊपर वाली पर क्या है 30%। आंसर मुझे फटाफट से देना कमेंट बॉक्स के अंदर। मेरी इनकम 5,40,000 है, इनकम 5,40,000 है, तो सोच कर बताओ मेरा इस वाला ये वाला केस में कवर हो रहा है। अच्छा, अगर मेरी इनकम 5,40,000 है ना, मेरा आपका ये वाला केस कवर हो रहा है 5 लाख से ऊपर वाला। अब सोच के बताओ जो आपका 20% टैक्स है, मैंने क्या बोला था कि 20% पूरी इनकम पर है या एक्सेस पोर्शन पर है? एक्सेस पोर्शन पर है। अब अगर मेरी इनकम 5,40,000 है, सोच के बताना 5,40,000 है, 5 लाख से कितनी ज्यादा है? 5,40 है, 5 लाख से कितनी ज्यादा है? नलायको बोलो ना, अगर मेरी इनकम 5,40,000 है तो 5 लाख से कितनी ज्यादा है? 40,000। उस 40,000 पे का तो पहले लगा दो 20%, 8,000 आ गया। अब 5,40 में से 40 गए, बैलेंस रह गया 5, जिसमें 3 लाख, 3 लाख एग्जम्प्ट है, 3 लाख एग्जम्प्ट है क्योंकि वो 65 एज है, तो बैलेंस क्या रह गया 2 लाख, उसका लगा दो 5%, कितना आ गया 10,000, तो ये आ गया 18,000 रुपये प्लस में 3% सेस, 18,540 रुपये मेरा टैक्स आ गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोला करो यार, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगर नहीं समझ में आ रहा प्लीज बता दिया करो, ठीक है नी? समझ में आ रहा है ना? पक्का पक्का इसमें टैक्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है ना? 40,000 पर निकाला 20%, फिर निकाला 2 लाख पर 5, 2 लाख पर क्यों निकाला? 3 लाख एग्जम्प्ट है, 18,000 आ गया प्लस में 3% सेस, तो इसका आंसर आ गया 18,540। ओके सर, हमें समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन सर हम खुद कर सकते हैं। ओके करो फटाफट से आंसर दो। रेजिडेंट है, एज, ओ माई गॉड, एज 82, 80 साल से ऊपर वाला, एग्जम्पशन कितनी मिलेगी? 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख। इनकम कितनी है? 12,40,000। सर इसको हम करेंगे, ओके 12,40,000 इनकम है सर, 10 लाख से ज्यादा है 2,40,000, उसका तो लगा दूंगा 30%, कितना हो गया 72,000। सर अब रह गया मेरा 10 लाख, अब अगर 10 लाख हाथ में है, 5 लाख से कितने ज्यादा है सर? 5 लाख, उसका लगा दो 20%, कितना आ गया 1 लाख, बैलेंस रह गए 5 लाख। सर 5 लाख एग्जम्प्ट है, क्यों? एज आपकी 82 है, तो आपका टैक्स आ गया 172 प्लस में 3% सेस, और ये आपका आ गया 172 प्लस में 3%, ये आ गया 177,160। ये हमारा टैक्स आ गया। आई थिंक मेरी सारी फैमिली का इतना ही टैक्स निकल कर आ चुका है, बोलो हाँ, इतना ही आ रहा है ना? यस सर, हमारा भी टैक्स इतना ही आ रहा है। चलो इतना टैक्स आ गया, यहाँ पर लिख देता हूँ 177,160। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, इसका टैक्स नहीं आ रहा, नेक्स्ट रिवीजन क्लास के अंदर दोबारा समझा दूंगा, और बोलो, ठीक है जी? बस हमारे मार्क्स एग्जाम में कटने चाहिए, उससे पहले जितना मर्जी मुझे तंग कर लो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में बस मार्क्स मत कटवा के आना, बाकी सब सही है। अच्छा अब यहां पर ना, अब मेन क्वेश्चन आ रहे हैं, और प्लीज अब कोई अपने आप नहीं करेगा, कसम है, कसम है आपको, गीता की कसम है, गीता का मतलब आपकी पुस्तक, आपकी किताब की कसम है, अगर आपने कुछ आगे लिखा। अब ये अगले दो क्वेश्चन सर मैं आपको समझाऊंगा, इधर देखना ध्यान से, अगले क्वेश्चन में ना सर आपकी इनकम है 51 लाख। अब प्लीज यहां पर ध्यान सुनना, एक बात मुझे सोच के बताना, एक बात मुझे सोच के बताओ, आपकी इनकम यहां पर 51 लाख लिख कर आ रही है। सबसे पहली बात, अगर आपकी इनकम 51 लाख रुपए है, 50 लाख से ऊपर है, और जैसे 50 लाख से ऊपर गई, गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि आपको सरचार्ज लगेगा 10%। अब सबसे पहले आपने ये निकालो कि अगर मेरी इनकम 51 लाख है, टैक्स कितना आएगा? टैक्स निकालो, सिर्फ टैक्स, कोई सेस नहीं, कोई सरचार्ज नहीं, सिर्फ टैक्स। सर 51 लाख इनकम है, 10 लाख से कितनी ज्यादा है? 41 लाख, उसका 30%, ठीक है जी, और एज मैंने कितनी बोली है? एज 49, मतलब लेस देन 60 है, तो 10 लाख तक आएगा 1,12,500, तो टैक्स आएगा आपका 1,42,500। 13 नहीं बोलूंगा, 13 का मतलब ये होता है कि 13 क्या मतलब होता है, आपका बोलो ना, तमीज से बोलना चाहिए, हर बंदे को तमीज से बोलना चाहिए, तो आपका 1,42,500 रुपये टैक्स आ गया। अच्छा अब इतना टैक्स निकल कर आ गया, इसमें मैंने कहा था कि यहां सरचार्ज भी लगेगा, सरचार्ज कितना लगेगा? 10%, इसका लगा दो 10% सरचार्ज, यह आ गया 1,34,250, टोटल आ गया 14,76,750। पहले यहां तक आप भी निकाल लो, यहां तक निकालो फटाफट से, इतना ही आ रहा है आपका भी?
एक बार खुद निकाल के देखो फटाफट से, आपने तो भी मेरा कॉपी कर लिया, अपना भी निकालो कितना आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ जी इतना ही आ रहा है, यस सर। अच्छा आप एक बात मुझे बताना, अब यहां पर ना सर एक क्लाइंट आपके पास आया, इमेजिन करना क्लाइंट का, अगर क्लाइंट का सोच के चलोगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एक क्लाइंट आपके पास आया, उसने करी मेरी इनकम ना 51 लाख रुपए है, टैक्स निकाल दो। अब देखो जो नॉर्मल सीएस होगा ना, जिसको डिटेल में नॉलेज नहीं होगी, वो क्या बोलेगा कि भाई तेरा टैक्स आ रहा है इतना, इसमें सरचार्ज लगेगा इतना, टैक्स आ गया इतना, प्लस में सेस ऐड कर देगा और टैक्स बता देगा। अब जैसे ही उसने उसको टैक्स बताया ना, फिर कोई एक और सीएस मिल गया उसे, उसने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था अच्छे से, अब उसने उससे टैक्स निकलवाया, उसने कहा भाई तेरा पहले सीएस ने टैक्स गलत बताया। अब वो क्लाइंट ये बात कह रहा है, यार ये क्या मतलब है, उसने तो मुझे इतना ही बताया। उसने कहा नहीं एक बात तू यहां बैठ और यहां बैठ के ना सुन कि अगर तेरी इनकम 51 लाख रुपए है, तेरा टैक्स इतना आ रहा है। उसने कहा हाँ, उसने भी यही निकाला था। अब यहीं बैठकर सोच, उसने कहा क्या कि अगर तेरी इनकम 50 लाख होती तो तेरा टैक्स कितना आता। क्लाइंट को सोचना है कि अगर उसकी इनकम 50 लाख होती तो क्या होता। अच्छा अब इसकी इनकम चेक करते हैं, अगर 50 लाख होती, अगर इसकी इनकम 50 लाख होती, इसका टैक्स कितना आता, इसका टैक्स आता 40 लाख का, 30 12 प्लस में 1,12,500, आपका 1,12,500 इतना टैक्स आता। अच्छा क्या सर चार्ज लगता। नहीं सर, 50 लाख पर कोई सरचार्ज नहीं है। अब प्लीज ध्यान सोचना, अब वो सीएस क्लाइंट से कह रहा है देख अब सुन देख मैं क्या देख तुझे दिखाना चाहता हूं। उसने कहा हाँ बताओ कैसे मेरा गलत आया। उसने कहा देख अगर तेरी इनकम 50 लाख होती ना, तेरा टैक्स इतना आता। उसने कहा ठीक है, अब तेरी इनकम कितनी है। उसने कहा मेरी 51 लाख है। उसने कहा अब कितना आ रहा है। उसने कहा मेरा इतना आ रहा है। उसने कहा देख कि 50 लाख की इनकम पर इतना टैक्स आ रहा है, 51 लाख पर इतना आ रहा है, तेरी जेब से गवर्नमेंट को जो एक्स्ट्रा जा रहा है ना, वो पता है कितना है, वो है 1,64,250 रुपए, इतना जा रहा है। उसने कहा नहीं मुझे समझ में नहीं आया, तुम क्या कह रहे हो मुझे दोबारा समझाओ। उसने कहा क्लाइंट देख मेरी बात सुन कि तेरी इनकम 51 लाख रुपए है, उस पर टैक्स आ गया 13,42,500, मैंने सरचार्ज लगाया 10%, तेरा टैक्स आ गया 14,76,750 रुपए। उसने कहा ये तक तो मुझे समझ में आ गया। उसने कहा देख मैं ये तुझे दिखाना चाह रहा हूं कि अगर तेरी इनकम 50 लाख होती ना, इतना टैक्स आता। उसने कहा ये भी समझ में आ गया। उसने कहा एक बात मुझे बता, मान ले मैं गवर्नमेंट हूं और तू क्लाइंट है। उसने कहा ठीक है, अब अगर तेरी इनकम 50 लाख है तो मुझे कितने रुपए देगा। उसने कहा मैं दूंगा 13,12,500 रुपए। अगर तेरी इनकम 51 लाख है तो कितने देगा। उसने कहा 14,76,750 रुपए। उसने कहा अब खुद बता तूने अपनी जेब से कितने रुपए एक्स्ट्रा दे दिए। उसने कहा मैंने दिए 1,64,250 रुपए। उसने कहा अब सोच कि तूने सिर्फ इनकम 1 लाख रुपए से कमाई है और टैक्स बढ़ गया 64 से। उसने कहा हाँ यार ये तो बात सही है, ये तो मेरे को उस सीएस ने बताई नहीं। उसने कहा वही तो मैं तुझे दिखाना चाह रहा हूं कि तूने अपनी इनकम 1 लाख से बढ़ाई है, तेरा टैक्स बढ़ गया 64 से, गवर्नमेंट कितनी हार्डशिप कर रही है। अब ये दौड़ा दौड़ा गवर्नमेंट के पास गया, उसने गवर्नमेंट से बोला गवर्नमेंट ने कहा क्या हुआ। उसने कहा ऐसे 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 ऐसे, गवर्नमेंट का यार बात तो सही है तेरी भी कि अगर तेरी इनकम 50 लाख है, इतना है, 51 लाख पर इतना तेरे ऊपर हार्डशिप है। उसने कहा चिंता मत कर, कोई बात नहीं, रो मत, जितने की हार्डशिप है ना उतने का हमसे रिलीफ ले ले। उसका नाम दे दिया मार्जिनल रिलीफ। गवर्नमेंट ने क्या बोला, सर एमआर कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में नहीं आता कई बार, तो दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान सुनना मेरी बात को। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर सरचार्ज लगने की वजह से तेरा टैक्स इनकम से भी ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो इतना ज्यादा बढ़ गया उसका हमसे तो एमआर ले ले। इट मींस टैक्स इतना बढ़ा है, ये देखो ये है टैक्स, ये टैक्स बढ़ा है, इनकम कितनी बढ़ी है 1 लाख से, तो 64,250 रुपए का ये हार्डशिप है, ये मिल जाएगा एमआर। सर इसका मैं क्या करूं, इसका कुछ भी नहीं करना, जो टैक्स आया था ना ये वाला, इसमें से माइनस कर दो, बस 64,250 इसमें से माइनस कर दोगे क्योंकि वो ज्यादा था ना, उसमें से माइनस कर दिया, बैलेंस आपका निकल कर आएगा 14,25,000, इतना ही आएगा मेरे ख्याल से, 14,76,750
750 में से माइनस किया 64,250 14 लाख, अच्छा सॉरी 14,12,500 आएगा, 14,12,500 आएगा, 14,12,500 इतना आएगा, प्लस में 3% सेस। अब निकालो कितना आएगा, ये आएगा 14,54,875 रुपए, ये आएगा फाइनल टैक्स, इतना हमें देना पड़ेगा। बोलो 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 बोलो, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना सर? एक बार दोबारा समझा दो प्लीज, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार दोबारा समझेंगे। एक बात मुझे बताना, देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, अगर आपका क्वेश्चन 50 लाख तक होगा ना, दिक्कत नहीं है। जहां क्वेश्चन 50 लाख से ऊपर गया, सबसे पहला काम क्या है कि अगर उसने जो बोला 51 लाख, 52 लाख, 53 लाख, सबसे पहले जो इनकम उसने दी है ना, उस पर निकाल दो टैक्स। उस पर टैक्स निकाल दिया, उसमें सरचार्ज ऐड कर दो, फिर निकाल दो टैक्स प्लस सरचार्ज। इतना निकाल कर ना वहां रुक जाओ, रुक जाओ, फिर वहीं बैठे बैठे सोचो कि अगर इसकी इनकम 50 लाख होती, टैक्स इतना आता, कोई सरचार्ज इतना आता, फिर आप चेक करो भैया अगर 50 लाख है इतना है, 51 लाख पर इतना है, कितना ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, इतना देना पड़ रहा है, कितनी इनकम बढ़ाई थी, इतनी इनकम बढ़ाई थी, बैलेंस इतने की हार्डशिप है, ये हार्डशिप इस टैक्स में से माइनस कर दो, फिर बैलेंस जो टैक्स आएगा इसमें 3% सेस ऐड कर दो, देन गवर्नमेंट को पे कर दो। सर अब हमें समझ में आ गया, पक्का पक्का आ गया? हाँ सर, अब आप हमें क्वेश्चन देके भी देख सकते हो। ओके, ऐसा करो एक क्वेश्चन लिखो, अगर इनकम है 52 लाख, करो फटाफट, करो जल्दी, करो फटाफट से। अगर इनकम 52 लाख है सर, ये तो बताओ एज क्या है। ओहो, मिस्टर एक्स है, रेजिडेंट है, और एज मान लो आप 49 ईयर ही मान लो। सर अब हम ये क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे, ठीक है जी, करो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास है, घर बैठे बैठे फटाफट से मुझे आंसर निकाल कर आवाज मार देना, सर इतना हमारा टैक्स आ रहा है। ओके सर, लो जी, सो मत जाना कहीं नालायक, क्वेश्चन करना है अभी, आंसर बताने हैं फटाफट से मुझे। सर हो गया हमारा, ओके चलो मैं भी निकालता हूं, फिर आंसर मैच करना, और सही है या गलत है एक बार निकाल के बताना, और प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारा आंसर सही था। जिन जिन का सही आंसर था मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे हमारा आंसर सही था, ताकि मुझे पता लग गया भैया कितने बच्चों को एमआर कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। और प्लीज मेरी बात मान लिया करो, हाथ जोड़ के ही मान लिया करो कि कमेंट बॉक्स में सर पार्टिसिपेट किया करो, आपका पार्टिसिपेशन और आप जो उस वीडियो पे लाइक करके करते हो तो वही मेरा मोटिवेशन है, उस मोटिवेशन के बिना मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो फटाफट से अब यहां पर चेक करते हैं, आपका 52 लाख है, 52 लाख पर मैंने निकाला टैक्स, 10 लाख से ऊपर कितनी है 42 लाख, उसका निकल कर आ गया 30% प्लस में 1,12,500, यह आ गया 13,72,500, इतना टैक्स आ गया। हाँ सर हमारा भी इतना आ रहा है, उसका 10% इतना आ गया 137,250, यस सर हमारा भी इतना आ रहा है। अब 13,72,500, ये आ गया 15,09,750, इतना आ गया जी, यस सर। अच्छा अगर इनकम 50 लाख होती, अगर क्लाइंट की इनकम 50 लाख होती, फिर टैक्स कितना आता, फिर टैक्स आता 13,12,500, कोई सरचार्ज नहीं लगता, 13,12,500। अब इनमें डिफरेंस कितना है, इसमें है 197,250। अब सोच के बताना सर टैक्स इतने से बड़ा है, अब टैक्स इतने से बढ़ा है, इनकम कितने से बढ़ाई है आपने, इनकम बढ़ाई है 2 लाख से। अब सोच के बताना सर
इनकम बढ़ाई 2 लाख से, टैक्स बढ़ा 197 से, टैक्स ज्यादा है या इनकम ज्यादा है? सर इनकम ज्यादा है, तो अगर इनकम ज्यादा है तो हार्डशिप नहीं है, तो यहां एमआर नहीं मिलेगा। अच्छा सर, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर सरचार्ज लगने से टैक्स इनकम से ज्यादा होगा तब हार्डशिप है तो एमआर मिलेगा? यस, आप मेरी बात समझ गए। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, अगर टैक्स लगने अगर सरचार्ज लगने से टैक्स मेरा इनकम से बढ़ गया फिर तो एमआर है, अगर टैक्स ही मेरा कम है इनकम मेरी ज्यादा है फिर कोई एमआर नहीं है। क्यों? हार्डशिप ही नहीं है। सर हार्डशिप तभी तो होगी अगर मेरा टैक्स बढ़ेगा, अगर मेरी इनकम ज्यादा है तो हार्डशिप किस बात की? फिर वहां पर एमआर आपको नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई ना? एक बार मैं दोबारा कैलकुलेट कर लेता हूँ, इतना ही आपका, आपका अगर इतना निकल कर आ रहा है मेरे साथ आंसर फिर सही है आपका भी। 42 लाख का 30% प्लस में 1,12,500 प्लस में 10% इतना आ रहा है। हाँ ठीक है, माइनस में 13,12,500 ठीक है। यहाँ पर इनकम ज्यादा है तो मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ नो एमआर। सर फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, इसमें 3% बस ऐसे ऐड कर दो उसी में ही। 15,9,750 में 3% आ गया, ये आ गया 15,502.5। अब जिसका आंसर निकल कर आ रहा है फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना किस किस का आंसर ये निकल कर आ रहा है। अगर ये आंसर निकल कर आ रहा है फिर तो सही है, अगर ये आंसर नहीं निकल कर आ रहा फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है। पक्का पक्का समझ, देखो पहले वाला क्वेश्चन हमने किया 51 लाख वाला, वहां पर एमआर था, वहां पर एम क्यों क्यों वहां पर टैक्स इनकम से ज्यादा था, यहां पर एमआर क्यों नहीं है? यहाँ इनकम ज्यादा है टैक्स कम है, और अगर इनकम ज्यादा है टैक्स कम है तो फिर हार्डशिप तो है ही नहीं, और अगर हार्डशिप नहीं है तो एमआर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। मेरी सीएस फैमिली का ना हर बच्चा रटेगा नहीं, रटेगा नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या रट लेते हैं, आप में से बहुत सारे दोस्त आपके उन्होंने ना एक बात रट रखी होगी, क्या? जहां सरचार्ज है वहां एमआर है। मैं ये नहीं कह रहा, आपने लाइन यहां क्या बिठानी है, जहां सरचार्ज है, अगर सरचार्ज लगने की वजह से हार्डशिप है तब एमआर है। सर एक बार लाइन दोबारा बोल दो आपने, वो तो अच्छी लाइन बोली है। जहां सरचार्ज है, सरचार्ज लगने की वजह से हार्डशिप है तब एमआर है, अदरवाइज एमआर नहीं है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आती है, ठीक है जी। चलो उसके बाद अब यहां पर हमारा एक क्वेश्चन अब बैलेंस रह गया 51 लाख वाले का, तो आंसर मैंने आपको निकाल कर बताया था ना, 51 लाख वाले का आंसर क्या था हमारा? ये हमारा आंसर था ये वाला था 1,454,875, ये आंसर था। अब लास्ट क्वेश्चन है, इनकम है 1,01,00,000 लोची। अब देखना आप यहां पर पक्का गलती करोगे, आप भी अपना करो मैं भी अपना कर रहा हूं, चेक करते हैं सही किसका। अगर आपका सही निकल कर आ रहा है बिलीव मी फिर सरचार्ज वाले क्वेश्चन आप गलत कभी कर ही नहीं सकते। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना, यहां पर आप गलती करोगे देखो, कमिटमेंट करोगे पहले आप खुद करोगे फिर आप यहां पर आंसर देखोगे। यस सर वादा रहा। चलो अब जी मैं भी अपना कर रहा हूं आप भी अपना करो। इनकम मैं यहां लिख रहा हूं 1,01,00,000। सर प्लीज आप बोलना मत, हम अपना अपना खुद करेंगे। ओके मैं भी अपना करता हूं। हो गया जी, बोलो बोलो बोलो, हो गया? यस सर, देखो आपने गलती की होगी पक्का, आपने पक्का गलती की होगी अगर आपने क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ा था। किस किस से गलती हुई थी मुझे लिख के बताना एक बार, ताकि मुझे पता लगे कितने बच्चे नालायक हैं। सर हम क्यों लिख के बताएंगे, आप हमें नालायक मान लोगे। ओके लिख के बता देना,
ये आएगा 3093750। अब कितने का टैक्स बढ़ रहा है? 175125, इतने का बढ़ रहा है टैक्स। और इनकम कितने से बढ़ाई थी? 1 लाख से। तो 75125 का तो एमआर ही मिल गया। इस एमआर को 75125 को यहां से माइनस कर दो, बैलेंस आपका निकल कर आएगा 3093750। नहीं, 3268875 माइनस में 75125, 31 प्लस में 3% सेस, आंसर आएगा 3289562.5, इतना आंसर आएगा। अगर आपका इतना आंसर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा फिर आपका गलत है। एक बार दोबारा समझा रहा हूं, एक बार ध्यान से चेक कर लें। देखो यहां पर अब दिक्कत क्या आ रही है, इनकम मेरी 1 करोड़ 1 लाख है जी, 1 करोड़ 1 लाख पर टैक्स निकालना तो आता ही है, टैक्स मेरा इतना निकल कर आ गया, इसमें लगा दिया सरचार्ज 15%। 15 क्यों लगाया? इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो गई। गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी तो क्या लगेगा? 15% सरचार्ज लगेगा। तो जितना टैक्स आया उस टैक्स का 15% मैंने यहाँ पर सरचार्ज लगा दिया। अब अगर टैक्स का मैंने 15% यहाँ पर सरचार्ज लगा दिया तो आपका टैक्स प्लस सरचार्ज इतना निकल कर आ गया। अच्छा एज्यूम करो, अच्छा यहाँ पर आपने गलती पता क्या की होगी कई बच्चों ने, कि 50 लाख एक्ज्यूम किया होगा। सर यहाँ पर 50 लाख एक्ज्यूम नहीं करना है, 1 करोड़ एक्ज्यूम करना है। क्योंकि देखो 1 करोड़ के बाद ही तो रेट चेंज हुआ है, तो हमें वही चेक करना है कि कितने की हार्डशिप हो रही है। तो अगर अच्छा रटने वाला बच्चे की बात कर रहा हूं, रटने वाला बच्चा ये बात ध्यान देगा कि अगर 50 लाख से ऊपर वाला क्वेश्चन होगा, 1 करोड़ तक होगा, फिर कंपैरिजन करोगे 50 लाख से। और अगर 1 करोड़ से ऊपर वाला क्वेश्चन होगा ना, फिर कंपैरिजन किससे करोगे? 1 करोड़ से। क्यों? 1 करोड़ के बाद रेट चेंज हुआ है। तो अगर मेरी इनकम 1 करोड़ होती, टैक्स मेरा इतना आता, सरचार्ज लगता 10। अरे सरचार्ज में 10 क्यों कह रहा हूं सर? 50 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ तक है, सरचार्ज 10% था। सर आपने लास्ट क्वेश्चन में लगाया नहीं था? लास्ट क्वेश्चन में क्यों नहीं लगाया था? क्योंकि सर वहां 50 लाख से कंपैरिजन कर रहे थे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, वहां 50 लाख तक था तो वहां तक सरचार्ज था ही नहीं। बट अगर मैंने कंपैरिजन 1 करोड़ से किया तो 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक है, तो 10% तो लगाऊंगा ना। हाँ सर ये बात आप सही कह रहे हो। तो टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया, इतना आ गया। फिर मैंने चेक किया इनमें डिफरेंस क्या है, ये टैक्स का डिफरेंस आ रहा है, इनकम मैंने बढ़ाई सिर्फ 1 लाख से, मेरा इतने से बढ़ा, इतने का मुझे एमआर मिल गया, माइनस किया जो टैक्स आया, प्लस में 3% से ऐड किया, आपका फाइनल आंसर ये निकल कर आ गया। तो क्लास के अंदर तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, बट रिविजन क्लास के लिए आई थिंक 2-3 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। तो जिन बच्चों ने रेगुलर क्लास में किया होगा, आई थिंक अगर उनको अभी भी कोई डाउट वहां पर रहा होगा ना, अब मेरे ख्याल से वो डाउट क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा फिर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बता देना, फिर नेक्स्ट क्लास में एक आधा क्वेश्चन मैं इसका और करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मेरे ख्याल से दैट इज मोर देन सफिशिएंट। रिवीजन क्लास में आपको मे बी ये 2-3 क्वेश्चन जो मैंने करवा दिए हैं आपको समझ में आ गया होगा, भैया ये सरचार्ज और ये एमआर, ये वाले और रिबेट वाले कॉन्सेप्ट हमारे क्या है, मैंने आपको बता दिया। ये पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। देखो यहां पर इसका मैं आंसर अब यहां पर लिख देता हूं, तो इसका आंसर निकल कर आ रहा है 3289562, 3289563 लिख देता हूँ, ये आंसर आपका निकल कर आ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए, और चेक करो इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट आ चुके हैं। इट मीन्स एज भी आ गई है, एज लिमिट भी सारी कवर कर ली है मैंने, रिबेट वाला कॉन्सेप्ट भी कवर कर लिया, सरचार्ज वाला कॉन्सेप्ट भी कवर हो चुका है, एमआर वाला कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर कवर हो चुके हैं। तो ये एक इंडिविजुअल की टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगी, वो सारी के सारी ऐसी होगी। सर मैंने कहा हाँ सर मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है, मैंने कहा वो क्या? सर क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेजिडेंट इंडिविजुअल में इनकम अगर 2.5 लाख तक है तो एग्जम्प्ट है? मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, अगर 2.5 लाख से ऊपर है, 3.5 लाख तक है तो वो रिबेट में कवर होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। सर 3.5 लाख से ऊपर है, 50 लाख तक है तो ना तो रिबेट है ना सरचार्ज है, सिर्फ सेस है। बिल्कुल सही बात है। सर अगर 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज भी है, एमआर भी आ सकता है, सेस तो है ही है। बिल्कुल सही बात है। सर अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज भी है, रेट 15%, एमआर भी लगेगा और सेस तो हर केस में है। बिल्कुल सही बात है। सर एक बात और, नॉन रेजिडेंट वाले केस में क्या होगा? नॉन रेजिडेंट वाले केस में सारे कॉन्सेप्ट सेम आएंगे, बट 3.5 लाख तक जो इनकम होगी ना वहां रिबेट नहीं मिलेगी। इट मीन्स एनआर वाले केस में सरचार्ज भी सेम है, एमआर भी सेम है, सेस भी सेम है, सारी बातें सेम है, बट रिबेट वाला कॉन्सेप्ट एनआर को नहीं मिलेगा। रिबेट वाला कॉन्सेप्ट ओनली इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल, आप ये बात ध्यान रखना।
ये बात क्लियर हो रही है? आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो चल सकता हूं आगे? यस सर, चलो रही। अब ये सारी बातें हमारी इंडिविजुअल की थी, अब मेरा अगला कॉन्सेप्ट यहां पर निकल कर आता है सर, टैक्स रेट ऑफ एओपी बीओआई एंड एचयूएफ। अगर मैं एचयूएफ एओपी बीओआई की बात करूंगा ना, तो जो आपने इंडिविजुअल में लेस देन 60 वाले रेट किए थे ना, वही सेम रेट आपके यहां पर एप्लीकेबल है। चेक करो, 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से ज्यादा है 5 लाख तक है 5% लगेगा, 5 लाख से ऊपर है 10 लाख तक है 20% लगेगा, और अगर आपकी 10 लाख से भी ऊपर इनकम है तो कितना लगेगा? 30% लगेगा। इट मीन सिंपल सी बात है, जो आपके लेस देन 60 वाले रेट थे ना, वही सेम रेट आपके एचयूएफ एओपी बीओआई इन पर एप्लीकेबल होते हैं। सरचार्ज सेम एज इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या? इंडिविजुअल में सरचार्ज क्या था याद करो फटाफट से। इंडिविजुअल में, हाँ सर याद आ गया, वो 1 करोड़ के बाद 30%, 10 करोड़ के बाद 40%, ये था क्या? जल्दी दो ना, फिर आंसर दो ना, क्या था सरचार्ज? क्या था? 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ के बाद कितना लगेगा? 15%। वही सेम रेट आपके यहाँ पर है, और सेस तो वहां भी 3% था, यहां भी 3% है, इसमें सेस वाले केस में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बात क्लियर होती है? पक्का पक्का, यस सर। आगे देखो फिर, टैक्स रेट ऑफ कंपनी, यहां पर मार्क कर रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट, दूसरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर, वो यहां से बनता है। अब मैं थोड़ा यहां पर आपको थोड़ा समझाऊंगा, जिन्होंने रेगुलर क्लास के अंदर क्वेश्चन किए थे वो एक बार प्लीज यहां पर ध्यान सुना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ना वहां पर मेरे पास डाउट आए थे, तो अगर जिनके भी डाउट्स अगर वो रिविजन क्लास ये वाली देखेंगे तो होप सो उनके डाउट यहीं पर खत्म हो जाए। एक बार चेक करो देखो ध्यान से, अगर मैं कंपनी की टैक्सेशन की बात करूंगा ना, तो कंपनी में दो केस कवर होते हैं, या तो कंपनी कवर होगी डोमेस्टिक कंपनी, या वो कवर होगी फॉरन कंपनी। अच्छा, अगर वो कंपनी फॉरन कंपनी है ना, फिर तो हर केस में 40% है, मतलब वहां पर टर्नओवर वाला केस चेक नहीं करेंगे। टर्नओवर वाला केस मैंने क्या बोला कि डोमेस्टिक कंपनी वाले में ना कुछ हम टर्नओवर चेक करते हैं। टर्नओवर क्यों चेक करते हैं, इसका रीजन क्या, इसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा, बट अगर मैं फॉरेन कंपनी की बात करूंगा, फॉरेन कंपनी के हर केस में क्या लगेगा? 40% लगेगा। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर कि अगर मेरी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है तो डोमेस्टिक कंपनी के केस क्या होंगे? सर आपने शायद मोदी जी को हर मीटिंग के अंदर देखा होगा, मोदी जी साफ साफ बार बार एक बात कह रहे हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया। अच्छा, अगर मोदी साहब बार बार ये बात कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इसका मतलब क्या है? इट मींस गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि सर आप इंडिया में काम स्टार्ट करो। अच्छा, आज लोग इंडिया में रुक के राजी क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट ये बात कह रही है, मतलब लोग ये बात कहते हैं भैया पैसा तो इंडिया में है नहीं। सर आपने बस सोच के बताना, देखो आपको चाहे मेरी थोड़ी बहुत बुरी लगेगी, बट मेरी फैमिली का इस टाइम, सीएस की फैमिली के जितने मेंबर इस टाइम मेरी इस क्लास को देख रहे हैं, आप सोच के बताओ कुछ ही घंटे रह गए वैसे सीएस बनने में। आप मान लो सीएस बन गए, सीएस बनने के बाद ना आपकी कंपनी में सिलेक्शन होता है, एक इंडिया की कंपनी आपको कह रही है कि हम 6 लाख रुपए देंगे, और फॉरेन कंपनी कह रही है कि हम आपको 15 लाख रुपए देंगे। अब फॉरेन कंपनी अगर 15 लाख बोला, इंडियन कंपनी बोलेगी ना 6 लाख, सर आप 2 सेकंड से पहले आप बाहर भाग जाओगे, देशभक्ति गई एसएससी कराने। इट मीन्स फिर जो हम जय हिंद बोलते हैं सब बेकार की बातें। इट मीन्स क्या है? इट मीन्स क्या कि सर पैसा 15 लाख मिल रहा है तो पहले हम वहां जाएंगे, दूसरी बात हमें घूमने को मिलेगा वो देश, तो दूसरी बात क्या, मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ सर, अगर इंडिया में आपको प्रॉपर पैसा नहीं मिलेगा आप इंडिया में काम क्यों करोगे? और अगर इंडिया का ब्रेन, ध्यान सुनना, इंडिया का ब्रेन अगर बाहर के लिए काम करेगा तो बाहर वाली कंट्री ग्रो करेगी ना, इंडिया वाली कंट्री कैसे ग्रो करेगी? और अगर इंडिया वाली कंट्री ग्रो नहीं करेगी, उधर से हम क्या कर रहे हैं कि इसको नंबर वन पावर बनाना है, और सारा यहां का ब्रेन बाहर जा रहा है। अगर यहां का ब्रेन बाहर जाएगा तो यार कहते हैं ना यूएसए नंबर वर्ल्ड की नंबर वन पावर है, सर कुछ भी नहीं है, इंडिया का माइंड वहां पर काम कर रहा है। सोच के देखो, वहां के साइंटिस्ट जो है, वहां के डॉक्टर जो है, वहां के इंजीनियर जो है, वो ऑलमोस्ट कौन से इंडियन ही तो है, और अगर वो सारे इंडियंस है तो उनको ऊपर लेके जाने वाला कौन है? इंडिया ही तो है। बट प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, यहां पर पैसा नहीं है। अगर यहां पैसा नहीं है फिर हम बाहर ही तो काम करेंगे। तो मोदी साहब ये बात कह रहे हैं भैया आप इंडिया में कंपनी स्टार्ट करो। आ देखो, अभी थोड़े दिन पहले ऑल ओवर वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लग गई ना इंडिया में, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया। अच्छा, अब गवर्नमेंट बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा सर अगर कोई कंपनी इंडिया में नया बिजनेस स्टार्ट करती है तो वो तो ये बात सोचेगी ना कि अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूं, मैं प्रॉफिट कमा रही हूं, तो मुझे टैक्स देना पड़ रहा है। वही सेम टैक्स देना पड़ रहा है जो बड़ी बड़ी कंपनी दे रही है। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम वही तो बेनिफिट लाना चाहते हैं कि अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है, इट मीन अगर कोई छोटी कंपनी है ना, अगर उसकी टर्नओवर यहां तक होगी तो कंपनी को पूरा टैक्स पे नहीं करना, 25% बस टैक्स पे करना है। इट मीन्स नॉर्मल कंपनी में कितने हैं? 30%। इट मीन्स अगर आपने 1 रुपया कमाया तो 30 पैसे दोगे, अगर आप छोटी कंपनी तो 1 रुपया कमाओगे तो 25 पैसे दोगे। अब सोच के देखना सर, कहने को आपको लग रहा होगा 5% कम है, बट 5% एक बहुत मेजर फर्क होता है, क्योंकि कंपनी की इनकम करोड़ों के अंदर होती है, और अगर कंपनी की इनकम करोड़ों के अंदर होगी तो अब चेक कर लो 5% कितना बड़ा फर्क डालेगा।
बट गवर्नमेंट कह रही है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया में काम स्टार्ट करो, जितनी भी आपकी छोटी कंपनियों की, छोटी कंपनी को 25 देना पड़ेगा, बड़ी कंपनी पर क्या लगेगा, 30% लगेगा। ये सारी बातें हम क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, छोटी कंपनी किसे कहते हैं, फटाफट मुझे आंसर दो, छोटी कंपनी किसे कहते हैं, जिसकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर 15-16 में 50 करोड़ तक थी ना, वो सारी कंपनी क्या, छोटी कंपनी है। और जिसकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर 15-16 में 50 करोड़ से ऊपर थी, वो सारी की सारी कंपनी क्या है, बड़ी कंपनी है। तो बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहां पर आप गलती करोगे, एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको रेगुलर क्लास के अंदर भी बताया था, रिविजन क्लास के अंदर बता रहा हूं कि सर 17-18 की इनकम पर, मेरे वर्ड पर जाना प्लीज, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सत्रह अठारह की इनकम पर रेट क्या लगेगा, वो डिपेंड करता है 15-16 में टर्नओवर क्या थी। इट मीन सर, सिंपल सी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर एक कंपनी का ना, ध्यान सुनना, आप सभी के एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 17-18 रेलिवेंट है। इट मीन अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना कि 17-18 में कंपनी की इनकम है, तो 17-18 की इनकम पर कंपनी का रेट क्या लगेगा, वो डिपेंड करता है 15-16 में टर्नओवर क्या थी। तो प्लीज ध्यान रखना सर, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, टर्नओवर 17-18 की चेक नहीं करनी, टर्नओवर 16-17 की चेक नहीं करनी, 15-16 की चेक करनी है। इसका लॉजिक डिटेल में ऑलरेडी हम क्लास में कर चुके थे, तो आपको मैंने लॉजिक बताया था गवर्नमेंट ने 15-16 क्यों रखा है। बट अभी के लिए सिर्फ रिविजन क्लास के लिए इतना ध्यान रखो कि 15-16 की टर्नओवर, दोबारा बोल रहा हूं, 15-16 की टर्नओवर अगर 50 करोड़ तक होगी, तो 17-18 में इनकम पर क्या रेट लगेगा, गवर्नमेंट वो बताने जा रही है। बात समझ में आ रही है? तो अगर टर्नओवर 50 करोड़ तक थी तो लगेगा 25%, अगर 50 करोड़ से ऊपर थी फिर क्या लगेगा, 30% लगेगा। ये बात क्लियर है? अच्छा, फिर सरचार्ज, सरचार्ज आपने पढ़ा होगा 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक कितना लगेगा, 7% और 2%, फॉरेन कंपनी में 2%। अगर 10 करोड़ से ऊपर इनकम है तो ये 12% हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5%। सेस यहां पर भी 3% है, यहां पर भी 3% है। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए मेरी, फटाफट से आप क्वेश्चन के आंसर देना। लो जी, XYZ लिमिटेड, आंसर दो फटाफट से। XYZ लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, उसकी टोटल इनकम प्रीवियस ईयर 17-18 में है 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 1 लाख इनकम है, और 15-16 में टर्नओवर थी 40 करोड़। पहले मुझे आंसर दो, रेट क्या लगेगा, अगर 15-16 में 40 करोड़ टर्नओवर है तो मैं इस ईयर की इनकम पर क्या रेट लगाऊं, बोलो ना फटाफट से, 25% या 30%। सर यहां लगेगा 25%। अब अगर 25% लगाना है तो आंसर निकालते हैं। आओ जी, यहां पर इनकम है 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 1 लाख इनकम निकल कर आ रही है, इस पर निकालो टैक्स 25%। फटाफट कैलकुलेटर उठाओ, 1 करोड़ 1 लाख का 25%, ये आ गया 25,25,000। इस पर लगा दूंगा सरचार्ज कितने परसेंट, 7%। तो 25,25,000 का 7%, 7 ही लगेगा ना, 1 करोड़ से ऊपर है, हाँ सर 7% लगेगा, 7% आ गया 176,750। अब इन दोनों का टोटल आ गया 25, मेरे ख्याल से गलत आया है, 7% इतना ही आएगा ना, 176, हाँ सही है, फिर ये आ गया 27,01,750। अच्छा, अगर इसकी इनकम 1 करोड़ होती तो टैक्स कितना आता, टैक्स आता सर 25 लाख। क्या कोई सरचार्ज लगता, नहीं सर, 25 लाख टैक्स आता, टैक्स का इंक्रीमेंट कितना आ गया, 2,01,750। देखो वही सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, वही सेम जो हमने इंडिविजुअल में किया था, टैक्स इतने से बढ़ गया, इनकम कितने से बढ़ाई है, 1 लाख से, तो क्या हो गया 101,750, इसका आ गया MR, तो 101,750 इसमें से माइनस कर दो, ये आपका आ गया 26 लाख, इसमें 3% आप ऐड कर दोगे, ये आपका आंसर निकल कर आएगा 26,78,000। अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो गलत है, प्लीज चेक करो। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई नई बात नहीं बोली सर, जो अपनी इंडिविजुअल में किया था वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर यूज कर लिया। देखो, जो इंडिविजुअल के अंदर मैंने 2-3 क्वेश्चन अभी रिवाइज किए थे ना पीछे, अभी हम 2-3 क्वेश्चन किए थे, देखो वही सेम मैंने किए हैं, दोबारा से बोल रहा हूं, बट वहां पर क्या था, वहां स्लैब रेट था, यहां पर आपका फ्लैट रेट है। इनकम दिया 1 करोड़ 1 लाख, 25% क्यों लगाया, टर्नओवर 50 लाख तक है, 50 करोड़ तक है, सॉरी,
तो टैक्स लगा दिया 25 लाख, 25 हजार आ गया, 7% सरचार्ज आ गया, इतना टैक्स आ गया। एज्यूम कि अगर इनकम 1 करोड़ होती टैक्स इतना आता, प्लस में सरचार्ज लगता, आपका डिफरेंस आता टैक्स का इतना, इनकम आपकी इतनी आ रही है, इट मीन्स आपका इतने का आ गया एमआर। अब इस एमआर को यहां से माइनस करोगे, बैलेंस जो भी आएगा उसमें 3% सेस ऐड करोगे, आपका फाइनल आंसर ये निकल कर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकता हूं? यस सर। अच्छा अगर व्हाट इफ क्या होता अगर आपके टर्नओवर 60 करोड़ होती, फटाफट से बोला करो यार, अगर टर्नओवर 60 करोड़ होती फिर क्या लगता? टैक्स रेट 30%, टैक्स रेट कितना लगता? 30%। बाकी सारी बातें सेम होती, बाकी सारी बातें सेम होती, इट मींस आपका अगर टर्नओवर 60 करोड़ होती ना फिर टैक्स रेट क्या लगता? 30%, 30% टैक्स रेट लगता, और सारी बातें सेम है, मतलब यहां पर लगाता 30% और फिर यहां पर सरचार 7% लगाता, फिर वही 1 करोड़ पर कंपैरिजन यहां, अच्छा यहां वहां फिर 25 लाख नहीं आता, वहां कितना था? 30 लाख। ध्यान ना, क्योंकि अगर रेट 30% है तो कितना आएगा? 30 लाख। फिर कंपैरिजन में यहां पर 30 लाख से करता, एक बार करके देख लेना, उसका आंसर निकाल लेना। अगर आंसर में कोई डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम एक बार चेक कर लेंगे आपने 30% सही निकाले नहीं निकाला। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, 25% की जगह 30% यूज करना है, बाकी सारी बातें सेम है, ठीक है? यहां कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। व्हाट इफ कंपनी विल बी फॉरेन कंपनी? लो जी बिल्कुल सिंपल काम, अगर फॉरेन कंपनी होती फिर रेट क्या लगता? 40%, फिर टैक्स रेट लगता 40%। लो ये मैं करके दिखा देता हूं, ये इसलिए करके दिखा रहा हूं क्योंकि यहां पर ना आपका एमआर के अंदर फर्क आ जाएगा, एमआर के अंदर फर्क आएगा इसलिए करके दिखा रहा हूं। 1 करोड़ 1 लाख इनकम है, टैक्स आएगा एक, फटाफट निकालो आप भी, 40%, ये आएगा 40,40,000 प्लस में सरचार, ध्यान से गलती मत कर देना आप, 2% है क्योंकि फॉरेन कंपनी है। हाँ सर अभी हम गलती करने वाले थे, वही मैंने कहा गलती मत कर देना। ये आ गया आपका 41,20,800। अब अगर 1 करोड़ इनकम होती तो टैक्स कितना आता? 40 लाख, और यहां सरचार्ज कितना लगता? 5%, सॉरी 5% कह रहा हूं, गलत, लगता ही नहीं क्योंकि सरचार्ज क्यों नहीं लगेगा, इनकम 1 करोड़ है तो सरचार्ज लगता नील, ये आता 40 लाख। अब डिफरेंस आ गया 1,20,800, 1 लाख से इनकम बढ़ाई है तो 20,800 रुपये आ गया एमआर, एमआर आ गया ना, 20,800 रुपये यहाँ से माइनस कर दोगे तो ये आ गया 41 लाख। 41 लाख में 3% आप ऐड कर दो, ये आ गया 42,23,000 आपका ये आंसर निकल कर आएगा जो गवर्नमेंट को देना। आई थिंक अब आपको मेरी बातें समझ में आ चुकी है, मान सकता हूं जी। देखो रिवीजन क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट के साथ हमने 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, आई थिंक अब आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है कि अब क्वेश्चन चाहे सरचार्ज का बनेगा, चाहे एमआर का बनेगा, चाहे इंडिविजुअल का बनेगा, चाहे वो कंपनी का बनेगा, अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद भी अगर गलत हो रहा है फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है। देखो रेगुलर वहां पे हमने प्रैक्टिस काफी की थी बट यहाँ इतना टाइम हमारे पास नहीं है। मैं आपको मैंने उस दिन भी कहा था सर रिवीजन क्लास का मतलब क्या कि आपको मैं 2 घंटे के अंदर उस चैप्टर का जो हमने 5-6 लेक्चर के अंदर किया था उसका एक ऐसा कंसाइज दे दूं कि अगर आप ट्रैवलिंग टाइम भी यूज करोगे ना आपके चैप्टर ऑटोमेटिकली खत्म होते जाएंगे, ठीक है जी? तो ध्यान रखना ये अब सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, फिर भी कोई दिक्कत आ रही है उसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो सर ये वाला पॉइंट आप नेक्स्ट में डिस्कस कर लेना, कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट रिवीजन क्लास में उसको हम डिस्कस कर लें। चल सकते हैं आगे, पक्का पक्का। चलो जी अब कंपनी वाले हमारे सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं। अच्छा मेन हमने 2 कॉन्सेप्ट खत्म कर लिए, कौन कौन से? एक तो इंडिविजुअल, सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। उसके बाद एचयूएफ, एओपी, बीओआई, ये सारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। उसके बाद फिर कंपनी के ये सारे कॉन्सेप्ट ये भी हम कर चुके हैं। अब जो मेरा अगला कॉन्सेप्ट है ना, अगला कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, अगला किसका है? अगला है पार्टनरशिप फर्म और लोकल अथॉरिटी। इट मींस पार्टनरशिप फर्म और अगर लोकल अथॉरिटी की बात करूंगा तो इन दोनों में टैक्स का रेट बिल्कुल सेम है, सरचार्ज भी सेम है। पार्टनरशिप फर्म में टैक्स का रेट क्या लगेगा? 30%, और लोकल अथॉरिटी में क्या लगेगा? 30% लगेगा, सरचार्ज लगेगा अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर है ना, सरचार्ज आपका 12% है। सर ध्यान रखना जो आपने इंडिविजुअल वाले केस में किया था, एचएफ वाले केस में किया था, एओपी वाले केस में किया था, बीओआई वाले केस में किया था, वहां 4 केस में सरचार्ज अलग है, कंपनी में सरचार्ज अलग है, इनको छोड़कर बाकी सब केस में सरचार्ज अलग है। वहां पर 50 लाख की लिमिट थी इंडिविजुअल वाले केस में। अगर क्वेश्चन बनेगा इंडिविजुअल, एचएफ, एओपी, बीओआई, लिमिट 50 लाख की है। अगर क्वेश्चन बनेगा कंपनी,
लिमिट 1 करोड़ की है, 10 करोड़ तक है, फिर 10 करोड़ से ऊपर है, उसको छोड़कर क्वेश्चन बनेगा ना, तो गवर्नमेंट ने सिंपल सा बोल दिया 1 करोड़ के ऊपर इनकम जाती क्या लगेगा, 12%, 3% सेस तो हर केस में लगेगा। आगे देखो फिर क्या लिखा है, टैक्स रेट इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर इनकम 10,000 तक है 10%, 10,000 से ऊपर 20,000 तक है 20% लगेगा, और अगर इनकम 20,000 से ऊपर होगी 30%। सर क्या ये वही स्लैब रेट लगेंगे? यस वही स्लैब रेट लगेंगे, अभी निकाल कर दिखा देता हूं। मान लो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम 35,000 पे है, 35,000 इनकम है, 20,000 से ऊपर है, 20,000 से ऊपर कितनी है 15,000, उसका लगा दो 30%। अब 20,000 रह गई, 10,000 से ऊपर कितनी है 10,000, उसका लगा दो 20%, और अब बैलेंस रह गए 10,000, उसका लगा दो यहां पर 10%। बस जो टैक्स आएगा उसमें सेस जरूर ऐड कर देना, 3% सेस ऐड कर देना, फाइनल आपका आंसर आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो ये सारी बातें आपकी यहां पर निकल कर आती हैं, ये बात क्लियर है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। उसके बाद सरचार्ज देखो, मैंने वही लिखा है 12% है, सेस आपका 3% है, सरचार्ज 12 का भी लगेगा, अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी तो फिर सरचार्ज कितने परसेंट लगेगा आपका, 12% यहां पर क्या लग जाएगा, सरचार्ज आपका लग जाएगा। लोरी अब हमारा यहां पर एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, राउंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, राउंडिंग ऑफ सेक्शन 288A है और 288B है। अच्छा 288A जो हमारा राउंडिंग ऑफ का है ना सर, ये आपको बताएगा टोटल इनकम की राउंडिंग ऑफ कैसे करनी है। 288B क्या बताएगा कि जो आपका टैक्स आएगा उसकी राउंडिंग ऑफ कैसे करनी है। अब गवर्नमेंट कह रही है भैया चाहे वो टोटल इनकम है चाहे वो टैक्स है, इन दोनों की राउंडिंग ऑफ जो है ना वो आपको 10 के मल्टीपल में करनी है। सर अगर कोई बच्चा मेरी क्लास में, मेरी फैमिली में इंटेलिजेंट होगा ना, आपने GST अगर पढ़ लिया तो GST में आपने पढ़ा होगा, मैंने वहां पर GST के अंदर बताया होगा कि GST का राउंडिंग ऑफ ₹10 के मल्टीपल में नहीं होगा, ₹1 के मल्टीपल में होगा। इट मीन्स GST में राउंडिंग ऑफ ₹1 के मल्टीपल में है, बट अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूंगा तो इनकम टैक्स में राउंडिंग ऑफ कैसे है, 10 के मल्टीपल में है। बात समझ में आ रही है? तो इनकम टैक्स वाला 10 के मल्टीपल में है, जीएसटी वाला ₹1 के मल्टीपल में, आप ये बात ध्यान रखना। ठीक है, देखो मैंने आगे लिखा है लास्ट डिजिट, अगर आपकी लास्ट डिजिट 5 या उससे ज्यादा है तो नेक्स्ट 10 में करो, और अगर 5 से कम है तो लास्ट 10 में करो। सर हमें कुछ भी समझ में नहीं आया कि आपने क्या बोला है। इधर देखो ध्यान से, कोई घबराओ मत, गुस्सा मत करो यार, गुस्सा करने से मैं डर जाता हूं। इधर देखो ध्यान से, आपकी टोटल इनकम निकल कर आ रही है 342,141 रुपए। लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। अगर 1 है यहां पर कवर होगा, करिए लास्ट 10, लास्ट 10 का मतलब 342,140। सर एक एग्जांपल और दो। लो जी अगर टोटल इनकम इसी केस में दी होती 342,146, लास्ट डिजिट 5 या उससे ज्यादा है तो क्या करता, 342,150। अच्छा सर अब हमें समझ में आ गया, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं जो आपको अब समझ में आ गया। इट मींस कहना क्या चाह रहा हूं सर, लास्ट 10 का मतलब क्या है कि जो आपका लास्ट 10, मतलब जैसे मान लो 41 है तो 40, अगर 6 है तो 50। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान देगा, इनकम टैक्स में टोटल इनकम और टैक्स ऑलवेज लास्ट में जीरो के उसमें आएगा, जीरो से अगर ऊपर होगा तो फ्रैक्शन है, उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। सर अब ना आप हमें कुछ एक दो बताओ, फिर हम उस आपको ना आंसर देंगे। ओके सर, मान लो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, टैक्स मान लो निकल कर आया 15,144 रुपए। सर इसका आंसर हमसे लो, इसका आंसर आएगा 15,140 रुपए। वेरी गुड। सर अगर मेरा निकल कर आया 15,146 रुपए तो फिर आएगा 15,150 रुपए। वेरी गुड। क्वेश्चन अब आएगा, सर अगर आया 15,145 रुपए, ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है, 5 या उससे ऊपर नेक्स्ट 10 तो भी क्या आएगा, 15,150 आएगा। सर बस ये चीज है। अच्छा एक पॉइंट और मेरे मन में आ रही है, कहीं आप गलती कर दो, अगर मैं कह रहा हूं 15,146 रुपए 20 पैसा, तो जो आपको लास्ट डिजिट चेक करनी है ना वो डेसिमल से पहले की चेक करनी है, ये वाली चेक नहीं करनी है, ध्यान रखना। इट मींस डेसिमल से पहले लास्ट डिजिट क्या है, अगर 5 है उससे ऊपर है तो आंसर आएगा 15,150। सिंपल सा है, बस ये ध्यान रखना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है राउंडिंग ऑफ। बात समझ में आ चुकी है? पक्का पक्का आप गलती तो नहीं करोगे? तो अगर इनकम की बात करूंगा, टोटल इनकम की बात करूंगा या टैक्स की बात करूंगा, अब जितने भी आपने अभी तक टैक्स निकाले थे ना, देखो इधर दिखाओ, ये वाले जो आपने टैक्स निकाले थे, अब ये सारे के सारे राउंडिंग ऑफ करो फटाफट से, ये वाले राउंडिंग ऑफ करो, मैं सर करवाता हूं आपको। सर आप मत करना, हम करेंगे। ओके यहां तो नहीं लिया आएगा 520, ये तो आएगा 18,540, ये आएगा 177,160, पहले से ही राउंडिंग ऑफ है।
अब ये बताओ 7 5 है, बोलो 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 7 5 है, क्या बना दूं 8 0, ये बन जाएगा 1 4 5 4 8 8 0, ये 3 है तो इसमें ले जाऊं 3 2 8 9 5 6 0, लो जी ये राउंडिंग ऑफ आ गए। तो सिंपल सी बात है, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो भी आपका टेक्स्ट निकल कर आएगा तो अगर फ्रैक्शन में है तो राउंड ऑफ कर लेना। राउंड ऑफ कैसे करना है, सेक्शन 288 ए बोलता है इनकम का, 288 बी बोलता है टैक्स का राउंड ऑफ, आप ये बात ध्यान रखना। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। अच्छा अब ये हमारा राउंडिंग ऑफ वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमारा लास्ट यहां पर जो मेरे ख्याल से हमारा कॉन्सेप्ट बचा है ना, वो हमारा बचा है स्पेशल रेट ऑफ इनकम टैक्स, जो आपके इनकम टैक्स एक्ट में लिखे हुए हैं। अच्छा अब सुना ध्यान से, थोड़ा सा यहां पर मैं ना आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया दे दूं। अभी तक सर जो हमने यहां पे टैक्स के रेट पढ़े हैं ना, इधर देखो ध्यान से, जो हमने यहां पर टैक्स के रेट्स पढ़े, उस टैक्स के रेट की ना दो कैटेगरी हैं, दो कैटेगरी हैं। सबसे पहली कैटेगरी तो एक तो आपकी होती है नॉर्मल रेट, और एक आपकी होती है स्पेशल रेट। नॉर्मल रेट का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया, इंडिविजुअल में स्लैब रेट लगेंगे, कंपनी में 25% छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी 30%, फॉरेन कंपनी 40%, पार्टनरशिप फर्म में क्या लगेगा 30%, लोकल अथॉरिटी में क्या लगेगा 30%। ये सारी बातें अभी हमने पढ़ी हैं। अब ये जो हमने रेट पढ़े हैं ना, ये आपके रेट दिए कहां हैं, फाइनेंस एक्ट में दिए हुए। स्पेशल रेट का मतलब क्या है, कुछ आपकी गवर्नमेंट ने कहा स्पेशल इनकम है, उन इनकम पर लगेगा स्पेशल रेट, और ये स्पेशल रेट कहां दिए होंगे, ये आपके दिए होंगे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दिए होंगे। अब ओल्ड सिलेबस वाला बच्चा ये बात कहता है, सर अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इनकम टैक्स के रेट कहां गिवन है, तो आंसर फाइनेंस एक्ट ही दोगे आप, ये नहीं दोगे। जब तक वो स्पेशल इनकम वर्ड यूज नहीं करेगा ना, तब तक ये नहीं आएगा। हां बट अगर क्वेश्चन में उसने स्पेशल इनकम यूज कर लिया, उसने स्पेशल इनकम वर्ड यूज कर लिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, कैजुअल इनकम, फिर वहां पर आपके रेट लगेंगे। जब तक वो अपने मुंह से नहीं बोलेगा, तब तक आप यही वाले रेट एप्लीकेबल करोगे, आप ये बात ध्यान देना। बात समझ में आ रही है, पक्का पक्का? तो नॉर्मल रेट अभी तक हमने पढ़े, अब जो मैं आगे बोल रहा हूं वो स्पेशल रेट है, वो सारे के सारे हमारे इस कैटेगरी में कवर होते हैं। एक बार चेक कर देखो ध्यान से, अब यहां पर हमारा सेक्शन 112 कैपिटल गेन अभी हमारा रेगुलर बैच में भी नहीं हुआ है, मे बी आपका भी अभी हुआ नहीं होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वहां पर एक पॉइंट आएगा, उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% हमारा टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कुछ लॉन्ग टर्म हमारे एग्जम्प्ट होते हैं शेयर्स वाले, और कुछ लॉन्ग टर्म हमारे टैक्सेबल होते हैं 20% वाले। तो मैं सिर्फ नॉर्मल की बात कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखा है तो 20% के दायरे में आता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सारे नहीं कह रहा, सारे नहीं कह रहा, 111A वाले, अगर 111A वाले हैं तो 15% के दायरे में आते हैं। लॉटरी की इनकम, लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग कैजुअल इनकम सेक्शन 115BB, सारी 30% के दायरे में आती है। और एक आपका डिविडेंड आता है, अगर डिविडेंड आपका 10 लाख से ऊपर का है ना, तो सेक्शन 115BBDA ये 10% के आता है। सर हमें तो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक आपने रेगुलर बैच में चैप्टर किए ही नहीं है, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। कैपिटल गेन कराऊंगा, ये दोनों समझ में आ जाएंगे, अदर सोर्स कराऊंगा, ये दोनों आएंगे, उसके बाद आप इसे उठा लेना, आपको ये प्रोविजन समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट में यहां पर क्यों करा रहा हूं, क्योंकि सर बेसिक कॉन्सेप्ट में आपके ना टैक्स के रेट हैं, तो रेट के जो आपके नॉर्मल है साइड बाय साइड स्पेशल रेट मैंने आपको बता दी, इसकी कैलकुलेशन कैसी होगी वो सारी बातें हम इनके चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा अब यहां पर ना कई बार बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं प्रैक्टिकल, वो बीच में क्या बोलेगा, नॉर्मल इनकम भी दे देगा, स्पेशल इनकम भी दे देगा, फिर बोलेगा टैक्स निकालो। इन सारे क्वेश्चंस के हम प्रैक्टिस करेंगे कैपिटल गेन के चैप्टर के बाद। जब मैं कैपिटल गेन के चैप्टर पर आऊंगा तो सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रेगुलर बैच में ना, रेगुलर बैच में वैसे कुछ क्वेश्चन मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद भी करवा दिए थे। जो बच्चे मेरे पटेल नगर के अभी अगर ये रिविजन क्लास देख रहे हैं तो याद करो, मैंने आपको ना बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद ना क्वेश्चन थे, कुछ आपके नॉर्मल इनकम दी थी, बीच में कैजुअल इनकम डाल दी थी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डाल दिया था, शॉर्ट टर्म डाल दिया था, तो आप वहां पर बार बार कंफ्यूज हो रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैपिटल गेन के बाद कुछ क्वेश्चन मैं यहीं डिस्कस कर लूंगा, आपके वो डाउट्स जो वहां पर आ रहे होंगे ना वो सारे खत्म हो जाएंगे, घबराओ मत। मैं आपको सिंपल सी बात कह रहा हूं सर, जब तक मैं हूं रिवीजन क्लास की टेंशन आपको नहीं है, बट सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको जरूर देखना, एक बार देखो दो बार देखो, नहीं समझ में आ रहा पूछ लो, बस मार्क्स चाहिए, रिजल्ट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। और मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं सर, 1% भी क्रेडिट मुझे देने की जरूरत नहीं है, मैं क्रेडिट नहीं मांगता, सिर्फ अपने पेरेंट्स को
क्रेडिट जरूर दे देना, उनकी ब्लेसिंग से बड़ा कोई ब्लेसिंग नहीं है। मैं जो आपके सामने यहाँ पर इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे स्टूडियो के अंदर बैठ के बोल रहा हूँ आपके लिए, क्यों? क्योंकि आप मेरा मोटिवेशन हो। मुझे पता कि इस टाइम बच्चा मुझे बैठकर जरूर मेरी क्लास अप्रिशिएट करेगा, सिर्फ मैं इस वे से आपको बोल रहा हूँ। और जो बच्चे वीडियो में डिसलाइक, जैसे मान लो मैंने कल देखा कि 7-8 डिसलाइक थे, मुझे खुशी होती है, बट मैं कहता हूँ कि कम से कम मेरी वीकनेस बताओ सर। मतलब जो आपने 7-8 डिसलाइक किए, प्लीज सबसे पहली वीकनेस बताओ कि सर उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट था कि मैं इंप्रूवमेंट करूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि उसको मैं इंप्रूव करूँ ताकि अगली वीडियो के अंदर वो ना हो, क्योंकि आपने उसको पसंद नहीं किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो हर टीचर का पढ़ाया सबको पसंद नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मे भी सब बच्चों को अच्छा लगे, ठीक है जी। बट मैं कहता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप मुझे वीकनेस बताओ कि सर आप में ये वीकनेस है, उसको इम्प्रूव करो ताकि हम उसको करें। देखो मैं अपनी वीकनेस आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसे लाइक कर रहे हो, अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आपने डिसलाइक अगर किया तो प्लीज मुझे बताओ सर ये प्रॉब्लम है, इट मीन्स फिर उसको हम इम्प्रूव करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मे बी आपको धीरे धीरे अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस दिन आपको अच्छा लगेगा तो फिर मुझे है कि चलो अब सारे के सारे जितने भी ऑल ओवर इंडिया सीएस की मेरी फैमिली है अब मुझे सब पसंद कर रही है, ठीक है जी। तो ये हमारा चैप्टर 1 की रिवीजन, अब चैप्टर टू की हमारी रिवीजन पूरी हो चुकी है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई कॉन्सेप्ट हमारा बचा तो नहीं है, एक बार मैं दिखा देता हूँ स्टार्टिंग में हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट करने थे। कहाँ गया? अच्छा ये रहा, ये लो जी, ये अब मुझे फटाफट से बताओ ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे हो चुके हैं, मुझे आप सोच के बताना फटाफट से। एक बार दोबारा छोड़िए, 10 मिनट के अंदर दोबारा रिवाइज करा दूं? हाँ सर एक बार और करा दो। ओके जी, देखो जी, मीनिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स, लेवी बर्डन सेम पर्सन, डीटी का मतलब समझ में आ गया, काइंड्स ऑफ डीटी, इनकम टैक्स, इंटरनेशनल टैक्सेशन, एंट्री नंबर 82 या 46, स्टेट लिस्ट वाली लिस्ट कौन सी है, यूनियन लिस्ट और एग्रीकल्चर वाली स्टेट लिस्ट, सोर्स ऑफ इनकम टैक्स लो, इनकम टैक्स एक्ट है, फाइनेंस एक्ट है, इनकम टैक्स रूल्स हैं, नोटिफिकेशन है, सर्कुलर है और केस लो है। एक एक्ट कैसे बनता है, मनी बिल होगा, पार्लियामेंट में जाएगा, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जाएगा, प्रेसिडेंट साइन करेगा, फिर वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन नंबर 4, लैंग्वेज क्या थी, आपने खुद बोला करो फटाफट से, एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर एक्सीड द एग्जम्पशन लिमिट इज एन एसएससी एंड चार्जेबल टू इनकम टैक्स एट द रेट और रेट्स प्रिस्क्राइब्ड इन फाइनेंस एक्ट फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। सर हिंदी में कन्वर्ट कर दो, किसी पर्सन की टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी वो असेसी बन जाएगा, जैसे ही वो असेसी बनेगा अब वो टैक्स पे करेगा, किस रेट से, जो रेट फाइनेंस एक्ट में होंगे और असेसमेंट ईयर के होंगे। प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है, इनकम कमाने वाला साल, असेसमेंट ईयर का मतलब क्या है, टैक्स देने वाला साल। प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम भी होगा, असेसमेंट ईयर पूरे 12 महीने का होगा। पर्सन में सब लोग आते हैं, असेसी में या तो आप टैक्स पे करो या और कोई सम पे करो तो भी आप असेसी में कवर हो जाओगे। फाइनेंस एक्ट आपको मैंने बता दिया है, असेसमेंट ईयर वो सारी बातें कर चुके हैं। एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख रेजिडेंट के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए हर केस में 2.5 लाख। टैक्स रेट क्या होंगे, 5%, 20%, 30%, ठीक है जी। कंपनी वाले केस में छोटी कंपनी डोमेस्टिक 25, बड़ी कंपनी डोमेस्टिक 30, फॉरेन कंपनी 40, पार्टनरशिप फर्म 30, लोकल अथॉरिटी 30, कोऑपरेटिव सोसाइटी वो 10% 20,000 तक 20%, 20,000 से ऊपर 30%। सरचार्ज इंडिविजुअल वाले केस में 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक कितना है, 50 लाख से 1 करोड़ कितना है, 10%, 1 करोड़ के बाद 15%। कंपनी वाले केस में 7%, 12%, 2%, 5%, बाकी सब केस में कितना है, 1 करोड़ के बाद 12%, और सेस हर केस में कितना लगेगा, 3% लगेगा। ये प्रीवियस ईयर सारा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। अच्छा एक कॉन्सेप्ट हमारा रह गया, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। इसका मतलब पता क्या होता है कि एक पर्सन पर मैक्सिमम इस टाइम रेट क्या चल रहा है, 30%। मैक्सिमम सरचार्ज क्या चल रहा है इंडिविजुअल वाले केस में, 15%। अब 15% किसका, इस 30 का, इसमें ऐड मत कर देना। तो 30% में 15% निकालोगे ये आएगा 34.5%, इसमें 3% से ऐड कर दो आपका आएगा 35.535%, ये आएगा मैक्सिमम मार्जिनल रेट। तो अगर वो क्वेश्चन पूछ लेगा ना इंडिविजुअल का एमएमआर क्या है, तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट 30 मैक्सिमम रेट है, प्लस में 15 मैक्सिमम सरचार्ज है, प्लस में 3% सेस, आपका ये रेट आपका निकल कर आ जाएगा। फिर आपका जीटीआई निकाल दी, 5 हेड की इनकम प्लस में क्लबिंग ऑफ इनकम माइनस में लॉस, जीआई निकाल दी माइनस में डिडक्शन, इंडिविजुअल का टैक्स निकाल दिया, एचएफ का निकाल दिया, कंपनी का निकाल दिया, फर्म का निकाल दिया, इसका निकाल दिया, इसका निकाल दिया। राउंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ये हमारा सारा हो चुका है, स्पेशल इनकम, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स ये मैंने आपको बता दिए। ये सारी बातें सर हमारी चैप्टर नंबर 2 में आती हैं। आई थिंक आपको मेरे सारे रिवीजन क्लास में जितने हमने कॉन्सेप्ट किए हैं आई थिंक आपको समझ में आ चुके होंगे, ठीक है जी। अच्छा अब जो मैं अगली रिवीजन क्लास डालूंगा,
अब इसके बाद 2 दिन के बाद, थर्सडे को तो मुझे वैसे ही लाइव आना है, थर्सडे को मैं रात को अप्रोक्सीमेट 8 से 9 बजे के अराउंड लाइव आऊंगा, क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे तक मेरी पटेल नगर में क्लास है। उसके बाद फिर मैं यहाँ लक्ष्मी नगर आऊंगा, फिर स्टूडियो में अराउंड मुझे 8 साढ़े 8 बज जाएंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि 8 बजे तक आपके पास लाइव यहाँ पर आ जाऊँ। और भगवान से बस यही प्रे करूंगा कि 10,000 हमारे CS की फैमिली के मेंबर पूरे हो जाएं। सपोर्ट आपने करनी है, सपोर्ट आपने करनी है, अगर आप उसको शेयर करोगे मैक्सिमम, मतलब बच्चों के साथ शेयर करोगे, तो अपने आप पूरे, मैं कह रहा हूँ 10,000 क्या 10 लाख भी हमारे हो सकते हैं, मतलब इतनी बड़ी हमारे CS की फैमिली तो होगी पूरे इंडिया में, मतलब मैं कहता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी फैमिली बने। अब वो आपके ऊपर है कि फैमिली को छोटा बनाना है या बड़ा बनाना है, बेस्ट मैं अपना ऑलवेज दूंगा, इतनी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, उससे मैं पीछे कभी नहीं हटूंगा, ठीक है जी। तो एक रिवीजन क्लास हमारी पूरी हो चुकी है, सेकंड अब मैंने रिकॉर्ड कर ली है, इवनिंग तक मैं इसको भी अपलोड कर दूंगा। अच्छी लगे तो प्लीज जरूर लाइक करना, आपके लाइक या कमेंट ही मेरा मोटिवेशन है। बुरी लगे डिसलाइक कर देना, बट मेरी वीकनेस बता देना कि मेरी वीकनेस क्या, उसको मैं इंप्रूव करूंगा। तो दो ही बातें बोलूंगा, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, आपका लाइक मेरा मोटिवेशन है, शेयर करना वो मेरा मोटिवेशन है, बुरी लगे तो मत शेयर करना, डिसलाइक कर देना, बट मेरी वीकनेस मुझे बता देना कि सर आपकी वीकनेस ये है, उसको आप इंप्रूव करो, फिर नेक्स्ट टाइम और मजा हमारे यहाँ पर गेम खेलने का आएगा, ठीक है जी। तो ये हमारी रिविजन क्लास थी, बाकी अब मुलाकात करूंगा नेक्स्ट रिविजन क्लास से पहले थर्सडे के अंदर, ठीक है जी, इसमें हमारे 10,000 फैमिली के मेंबर होंगे, उसको सेलिब्रेट करेंगे, आधा घंटा बैठकर दिल की बातें करेंगे, तो अपनी प्लीज बातें नोट डाउन कर लेना कि उस दिन आपने कौन कौन सी बातें मुझसे पूछनी है। आधा घंटा मैं आपके साथ रहूंगा, आधे घंटे के अंदर बातचीत करेंगे, नॉर्मल बातचीत करेंगे, CS के अगर आपको कोई डाउट है वो भी आप पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं तो अदरवाइज नॉर्मल बात करेंगे। आप मुझे आपकी विशेष, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग मैं यहाँ पर लेने के लिए आऊंगा, और 10,000 फैमिली के मेंबर को हम सेलिब्रेट करेंगे। एंड वंस अगेन दिल से थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, मतलब इतना प्यार, मैं ऑलवेज ये बात कहता हूँ सर, आपका ही प्यार है, आपकी ही सपोर्ट है जो मुझे यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है। मैं ऑलवेज अपनी क्लास के अंदर भी कहता हूँ, लक्ष्मी नगर के अंदर जो मेरे बैच चलते हैं, पटेल नगर में चलते हैं, कि सर आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और थैंक यू सो मच वीडियोज को देखने के लिए और इतनी सपोर्ट करने के लिए। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट रिविजन क्लास में, सी यू ऑन 2nd of August थर्सडे को, ठीक है जी, रात को 8 से 9 बजे के बीच में, ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।